गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय जय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकुशलिनम् हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशहृदिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभाय वृषदेवि प्रणमामि हरि वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय ते सरस्वत कृष्णभक्ति व्रजदेवि सत्यवसै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर द्विजादि गौरवानन्द हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म गीतलिंगा प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमलों तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुपाद पद्म गीतलिंगा प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी पर मैं यथादि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्री रघु गोस्वामी के तिरुभाव महामहोत्सव उपलक्ष करते हुए यहाँ पर 8 दिन से श्री रघु गोस्वामी का क्या शिक्षा है, उनका जीवन चरित्र क्या है, हमें उन्होंने क्या क्या शिक्षा दिया है और हमारे संप्रदाय का नाम श्री हम लोग क्यों अपने आप को श्री रूपानुग कहते हैं, इनकी अनुगत क्यों हम स्वीकार कहते हैं, इस विषय पर हम लोगों ने 8 दिन तक इस विषय पर हमने चर्चा की। इसलिए हम लोग श्री उपदेशामृत से एक एक और दो दो श्लोकों को हम रोज रोज सुनते हैं। कहते जो उपदेशामृत ग्रंथ है इसलिए श्री प्रभुपाद इसी विषय पर कहते हैं, बोले भैया ये ग्रंथ क्या है, बोले ये ग्रंथ सहजियाओं के लिए जो बज रहे हैं। हाँ ये चीज को समझो, एक संप्रदाय है जिसका नाम कहते हैं सहजिया। सहजिया मतलब बोले भगवत प्रेम है और ऐसे भगवत प्रेम नहीं मिल जाती है जैसे क्लास हुआ अरे टू अरे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अरे कॉलेज में जाते हैं हैं अरे कोई डिग्री को प्राप्त करते हैं, उसी तरह भक्ति जगत में भी कुछ सोपान है जिसको रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका सोपान बताया। पहले श्रद्धा, उसको बाद में फिर साधु संग मिलेगा, उसको बाद में भगवान भजन किया, भजन करेंगे तो हमारे हृदय से सारे अनर्थ जो अपराध है वो दूर होगा, फिर धीरे धीरे भगवान का नाम का फिर रुचि होगी, फिर उसमें निष्ठा होगी, फिर आसक्ति भाव और प्रेम प्रेम अवस्था में भगवत प्राप्ति, ये नियम है, ये धीरे 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 धीरे। लेकिन कुछ सहजिया लोग, सहजिया मतलब होता है इस चीज को सहज में कोई जरूरत नहीं, भले चाय पियो तंबाकू खाओ सिगरेट ठोकर शराब पियो
अवैध रूप में स्त्री संग कर जो कुछ करो करो पास क्या करो वो लोग शिष्य आते ही कोई अगर चेला बनेगा ना उसको पूरा मंजरी भाव तुम ये मंजरी तुम्हारी ये सेवा तुम्हारी ये रूप ये वस्त्र जो सिद्ध स्वरूप में है सिद्ध स्वरूप कब आता है जब हृदय में भावावस्था है भावावस्था भावावस्था बताया जैसे कली जैसे फूल होगा जैसे कली है ना कली देखने से पता चलता भैया उसमें फूल होने वाले इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने हम कहते ना भैया इसको तो बड़ा भाव है बोल देते ना भैया इसको तो बड़ा भाव है लेकिन रूप गोस्वामी कहते भैया भाव इतने आसान ठीक नहीं है अगर भाव होगा तो उसको शरीर में 9 लक्षण देखने को मिलेगा कितना लक्षण क्या क्या कहते पहला नंबर शांति शांति मतलब होता है भले ही जीवन में जितने बड़े से बड़ी विपत्ति क्यों नहीं आ जाए लेकिन किसी विपत्ति अवस्था में उसका मन कभी चंचलता नहीं होगा कभी उसको दुख का कारण आने पर भी वो कभी दुखी नहीं होगा जैसे जैसे युधिष्ठिर महाराज इसलिए इनका नाम ही युधिष्ठिर है युधिष्ठिर मतलब क्या युद्ध अवस्था में भी स्थिर युद्ध अवस्था में क्या होता है मरना नहीं तो मारना ये होता है ना मर जाए नहीं तो उसको मार डाले लेकिन उसी अवस्था में भी इनका बुद्धि चंचल नहीं होता स्थिर रहता उसी समय में भी वो धर्म को पालन करते अधर्म में नहीं जाते हैं इसलिए जैसे हरिदास ठाकुर है 22,000 की पिटाई हो रही है लेकिन वो भगवान से प्रार्थना करता है बोल प्रभु ये लोग मूर्ख है जानते नहीं कुछ अज्ञानी आप इनको अपराध को माफ कर दो प्रभु इनको माफ कर दो प्रहलाद को आग को अंदर में डाल दिया लेकिन वहां भी बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तभी भगवान का भजन करता है लेकिन केवल भाव नहीं केवल भाव की अंकुर आने पर तभी सब लक्षण है शांति बोले अव्यर्थ का लक्षण दूसरा लक्षण है वो कभी समय को कभी बर्बाद नहीं करेंगे इधर उधर चीज से हैं उल्टा पुल्टा इधर उधर चीज से बात करके देख करके इधर कभी भी समय को नष्ट नहीं करेगा हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा भक्ति में ही हर समय उसमें डूबा रहेगा समय को कभी वो नष्ट नहीं करेगा बोले तीसरा नंबर बोले विरक्ति मतलब क्या जैसे कोई गंदी चीज हो ना जैसे कोई गंदी चीज को देखना बोलना सुनना उसको रुचि नहीं रहेगा केवल उसको तो रुचि केवल वही रहेगा तब भगवान की कथा सुने सुने तो ठाकुर की कथा बोले तो ठाकुर की कथा करते ठाकुर की सेवा करे इसके सिवाय और किसी उल्टा पुल्टा चीज उसकी मन कभी जाएगा नहीं कभी है इसलिए वो चीज उसको विरक्ति लगेगा मान सुनने का इसके हृदय में कभी भी ये नहीं आएगा अरे सारा दुनिया मेरे जय जयकार लेकिन ये दुनिया में देखो हाँ ये दुनिया ऐसे दुनिया है थोड़ी सी अगर प्रतिष्ठा कम हो गया ना हाँ क्रोध आ जाता है अरे हमारे प्रति उसने ऐसे किया ऐसे अपमान किया मेरे को ऐसे बोले और किसको कहा जय जयकार करते हो तो बात खुश हो जाता है वो व्यक्ति खुश हो जाता है इसलिए इसी अवस्था में उसको किसी अवस्था हर समय क्या मान सुनने का वो कभी अपना इज्जत कभी नहीं चाहेगा सबको जथा जगह ये इज्जत देगा सबको ये सम्मान देगा हैं इसलिए मान सुनने का बोले आशा बंधन मतलब क्या उसको पूर्ण विश्वास होगा नहीं भगवान एक दिन मेरे को मिलेंगे ही ठाकुर हमें मिलेंगे इसकी पूर्ण विश्वास रहेगा आशा बंधन बोले समुद्र कंठा मतलब हर समय उसकी अंदर में उत्कंठा बनी रहेगी तब भगवान मिले हमें तब भगवान मिले ठाकुर कब मिलेंगे मेरे को ठाकुर कब मिलेंगे हर समय उसकी उत्कंठा बनी रहेगी और नाम गाने सदा रुचि उसको जो रुचि भगवान के नाम गान कीर्तन में हर समय उसकी रुचि बनी रहेगी और आसक्ति तद गुणाख्याने
भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत अच्छी लगी, उसको बड़ी अच्छी लगी भगवान की कथा। और आसक्ति तद गुणा ख्याल बसति तद बसति स्थले, कब इच्छा होगा कब वृंदावन जाए, कब नवद्वीप धाम जाए, कब जगन्नाथपुरी जाए, भगवान का धाम में जाए, भगवान का धाम को दर्शन करे। लेकिन साधारण व्यक्ति क्या बोले, कहीं अपना घूमने जाएंगे, बोले कहाँ, बिल्कुल भगवान की लीला स्थल नहीं, कुछ नहीं हो, हाँ कोई सीन सीनार उल्टा पुलटा चीज होगा ना उसमें जाएंगे। लेकिन भक्त तो बोले नहीं जाएंगे तो वृंदावनी जाएंगे तो नवद्वीप भी जाएंगे, जाएंगे तो ठाकुर को अयोध्या जाएंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, प्रभु की धाम में जाएंगे जहाँ प्रभु की लीला स्थली है। जब ये जो लक्षण है, जब हृदय में भाव आए ना, रूप गोस्वामी कहते हैं इनके अंदर में ये नौ लक्षण दिखाई पड़ेगा, तभी समझो इसके अंदर में ये भावावस्था है। इसलिए लेकिन वो सहजिया जो लोग कुछ है वो क्या कहते, बोले से तू कुछ कुछ किसी की जरूरत नहीं, पास सलाह ला कर गोपी बन गए, मंजरी बन गए, नाक में नथनी पहन लिया, सर पर कपड़े, वृंदावन में अभी ऐसे कुछ लोग घूमते हैं पीले कपड़े पहन करके, पास लड़का है इसमें पीले कपड़े पहन के सर पर ढक करके पीले कपड़े, इसको कहते हैं सहजिया, बोले खबरदार इनका कभी संग मत किया करो, तोता बोले यही तरह संग नहीं करी, वो कहते हैं संत के खबरदार इनकी संग मत किया करो, जीवन तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी हैं। इसलिए ऊपर में तो लड़का है, लेकिन वो लड़का लेकिन लड़की जैसे सर पर कपड़ा ढक करके और लहंगा चुनर पहन करके अभी वृंदावन में ऐसे कुछ चल रहा है, कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो ये कि बाबा जो है वो क्या करता है, उसको ऐसे पीला कपड़ा पहना देती है, ये बड़ा गड़बड़ी चीज, अंदर में पहनो बाहर नहीं है, खुद तो गोपी बन गया और एक गोपी को ले जाता है, ऊपर में वो है लड़का है लेकिन बन गया गोपी, लेकिन और एक गोपी को ले जाता है साथ, ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब भ्रष्टाचार है। इसको बोले सहजिया है, ये जो दुर्लभ वस्तु हाँ, ये सब लक्षण आने पर कभी भाव होता है, लेकिन अभी काम क्रोध का दास बन करके, लोभ का दास बने, क्रोध का दास बने, पास क्लास कभी ए बी सी डी लिखना सिखाई नहीं और पी एच डी का किताब लेकर बैठा, इसको कहते सहजिया। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं ये जो उपदेशा मृता हम ग्रंथ सुन रहे हैं वो ग्रंथ क्या है, जब उनके लिए ये बच रहे, उनके लिए ये बच रहे, क्योंकि क्लास वन क्लास टू थ्री फोर फाइव, इसलिए ये उपदेशा मृता में जो पहला श्लोक उन्होंने क्या बताया, बोले पहले अपना इंद्रियों को कंट्रोल करो, बाच बेगम पहले ये पानी को ऊपर में कंट्रोल करो है, पानी को ऊपर कंट्रोल करो, बाच बेगम माना ये मन बड़ा चंचल है इधर उधर भटकता है, इसको भटकने नहीं दिया करो, बात मनस क्रोध है, जब क्रोध आता है ना ये एकदम इधर उधर किसी चीज को देखता है नहीं, एकदम ब्रह्म चंडाल बन जाता है, बोले क्रोध को दमन करो, लोभ को बात बेगम मनस क्रोध जीवा बेगम, जीवा जो चटपटी खाना चाहता है उसको चटपटी खाने मत दो, इसलिए बोल रहे थे जीते जीवे जीते जीते सर्वे, यदि जीवा को जो जीत लिया ना वो सब चीज को जीत लिया है, क्योंकि ये जीवा में जैसे खाओगे ना, कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, आप जैसे अन्न खाएंगे हमारा मन वैसे बनेगा, तभी तो कहते सात्विक आहार करो, सात्विक आहार करो। इसलिए उधर उपस्थ बेगम, इसलिए उधर मतलब होता है पेट का, दिन भर खाते रहो खाते रहो खाते रहो, उधर उपस्थ मतलब होता है काम है, ये काम पेट को दमन कर। देखो जब भगवान राम अयोध्या जब उनको वनवास हो गया, जब भगवान राम वनवास गए अभी उनका साथ में सीता भी थी, सीता तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर थी, अभी भगवान राम प्राय करके जहाँ रहते थे ऋषि मुनियों का आश्रम, अभी ऋषि मुनियों का आश्रम में ब्रह्मचारी लोग भी रहते थे और सीता तो लक्ष्मी साक्षात बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी, राम उठने से पहले वो कूद उठती, राम उठने से पहले उठ जाती, घर का सारे काम धाम करके घर की साफ सुथराई करके भगवान राम
आनी स्नान करके आनी करने के बाद पूरा प्रसाद तैयार करके की भगवान राम की चरण की सीता सेवा करती है, सब सेवा करती है, बड़ी सेवा करती है। अभी ये चीज को देख करके भगवान राम ब्रह्मचारियों का आश्रम आश्रम के पास रहते। अभी ब्रह्मचारियों का दिमाग खराब, ब्रह्मचारी का दिमाग खराब होगा। देखो गृहस्थ जीवन कितने प्यारा है, मैया सीता कितने सेवा कर रहे हैं प्रभु राम की, हैं दिन रात आंखों का पलक खोकर के राम को रखते हैं। अभी ब्रह्मचारी के मन में भी शादी होनी चाहिए, अगर हम भी ऐसे शादी कर लेना हमारी बीवी भी हमें बड़ी प्यारी करेगी, बड़ी प्रेम करेंगे। अभी प्रभु का रामलीला देख करके ना ब्रह्मचारी का दिमाग खराब, बोले हम भी शादी करेंगे। अभी सोच रहे हैं कि भैया सीता तो बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी है, हमें कौन लड़की देगा, हमें तो कोई लड़की देगा नहीं। फिर उन्होंने सोचा, हमने सुना है जब भगवान राम जनकपुरी जा रहे थे ना, वो सीता पहले पत्थरी बन गई थी, भगवान राम जो पत्थर को चरण स्पर्श किया वो पत्थर अहल्या बन गए, और अहल्या बड़ी सुंदर, इतने सुंदर थी इंद्र की इंद्राणी है, सच्ची है, हैं बड़ी सुंदर, स्वर्ग में रंभा उर्वशी मेनका इतने सुंदर सुंदर स्त्री है। लेकिन ये अहल्या देखने में इतनी सुंदर थी, लेकिन इंद्र जिसको ऊपर आसक्ति हो गया, आसक्ति हो गया इंद्र, और उसकी सतीत्व को उन्होंने नष्ट किया है, इसलिए गौतम ऋषि के अभिशाप से वो अहल्या बन गई, पाषाणी बनी। लेकिन जब भगवान राम गए, गौतम ने बोला था प्रभु राम की चरण स्पर्श से उद्धार होगा, जब प्रभु राम जा रहे थे ना, प्रभु राम के चरण स्पर्श करते ही जो अहल्या बड़ी सुंदरी बनी। अब ये ब्रह्मचारियों को सोच रहे हैं, भले हमें कौन इतना सुंदर स्थिति देगा, भले राम का चरण स्पर्श से ये जो पत्थर है ना, पत्थर क्या हो गया, ये स्त्री बन गई। हम ऐसे करेंगे जिसको गोरी स्त्री चाहिए ना, गोरे गोरे पत्थर ले जाएगी, और प्रभु राम की चरण स्पर्श कर तो गोरी बन जाएगी, और जिसको काली स्त्री चाहिए काली काली पत्थर ले जाएगी, और वो काली पत्थर स्पर्श कराएंगे तो स्त्री काली बन जाएगी, और जो सवर्णा वर्ण की काली नहीं और गोरी नहीं, अगर इसको ऐसे स्त्री चाहिए ना, ऐसे पत्थर ले जाएगी और राम की चरण स्पर्श कराएंगे, लड़की बन जाएगी, फिर हम शादी कर लेंगे। अब ये ब्रह्मचारी आश्रम ने इनका तो बड़ी खराब, प्रभु राम लीला देख करके भगवान ने देखा कि भगवान देखो हमारी गृहस्थ लीला को देख करके मेरे भक्त लोग है ना, देखो इनका बुद्धि खराब हो रहा है, इनकी बुद्धि खराब हो रहा है, इनको सिखा देनी चाहिए। इतने में क्या हुआ, रावण ने जब सीता को उठा करके ले गया, इतने में भगवान राम तो जितने आश्रम था ना, विशेष कर सीता को तो उसने लिया ही नहीं, वो तो नकली सीता थी, असली सीता तो अग्नि को पास लोगों को सिखा देने के लिए। इतने में भगवान राम विशेष करके ऋषियों का आश्रम को पास में जा करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हा सीते लता बताओ को रो रो करके जोर जोर से बिलक बिलक करके रो रहे हैं, और सबको पूछ रहे हैं जो ब्रह्मचारी होगा ये क्या हुआ, हम तो सोच रहे थे शादी करेंगे तो बड़ा आनंद में रहेंगे, भगवान ही अपना बीवी को जो ठाकुर कर पाए, ठाकुर ने ही अपना पत्नी को ठाकुर ही रक्षा नहीं कर पाए। हम सोच रहे हैं शादी करेंगे, अरे जंगल में तो चारों तरफ पर आप कैसे क्या कैसे करते हैं, हैं अगर फिर हमारे पत्नी को उठाकर ले जाएगा फिर तो हमें रोना ही पड़ेगा, हमें रोना ही पड़ेगा। अरे ब्रह्मचारी ने सोचा नहीं भैया, इसकी चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए क्या करना, हमें भगवान की भक्ति करना। देखो हम लोग तो देखे होंगे जब शादी होता है ना, लड़की जब जाता है ससुर में रोते है ना, कौन कौन रोए बोला तो सब हाथ बेटा कौन कौन रोए थी जो अपना ससुर घर में गई थी, कौन कौन रोए थी सही जगह हाथ बेटा सब देखा सबके सब रोते हैं जब अपना ससुर घर में जाते हैं, सबके सब रोते हैं। एक लड़की तो बड़ी जोर जोर से रो रही थी, इतने जोर जोर से रो रही थी उसको रोना बस ही नहीं है, परिवार समझा रहे क्यों रो रहे हो, और बीच बीच में तुम भी आ जाना, भाई बोले मैं भी आ जाऊंगा, हैं इसलिए तुम भी बीच बीच में आ जाना, रो मत, हैं कोई चिंता मत कर जाओ। लेकिन उसको रोना ही बंद नहीं हो रहा,
पति ने कहा चुप रहो, क्यों इतना रो रहे हो, चुप रहो क्यों रो रहे इतना। उसने क्या बोली जानते हो, बोले जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, अभी जिंदगी भर तेरे को रोना है। आज मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने कभी कभी ब्रह्मचारी को बुद्धि है ना, घर बार छोड़कर आते हैं मंदिर में भजन करने के लिए, कभी कभी इनका बुद्धि भी कभी कभी चकरा जाती है। ये सोचते भैया संसार में तो बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, लेकिन भगवान दिखाए भैया मैं भगवान होकर के अपना पत्नी को मैंने रखा नहीं करता। देखो रामायण में सीखा क्या है, लास्ट में वाल्मीकि कह रहे हैं, बोले रामायण में क्या सीखा है प्रभु राम, क्या सीखा दिया पूरा रामायण का सीखा दिया, बोले रामायण का पूरी सीखा है पत्नी में आसक्ति होने पर भगवान राम को भी जिंदगी भर रोना पड़ा, अपना दुख को दूर नहीं कर पा रहे। लास्ट में क्या किया, गुरु जी को बात करिएगा, गुरु को ने वशिष्ठ, बोले गुरु जी हम बड़ी दुखी हो, इतने बेचैनी से अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। इसलिए राम तो लास्ट में ये सिद्धांत ले लिया था, सीता को ही लेकर मैं चले जाता हूँ, अयोध्या त्याग करके भगवान स्वयं, बोले अयोध्या त्याग करके मैं अयोध्या से बाहर चला जाता हूँ। भगवान यहाँ तक डिसीजन ले चुके थे, लेकिन ये उन्होंने देखा नहीं, ये प्रजाओं के लिए ये आदर्श सही नहीं होगा, इसलिए गुरु जी को बात सुन गए। गुरु जी ने बताया, गुरु जी ने ये नहीं बताया सीता को त्याग कर, गुरु जी ने ये बताया देखो लगता है कहीं बहुत कहीं आसक्ति है तुम्हारी, कहीं ज्यादा आसक्ति है अभी तुमको, वो किसी कारण से वो सबसे जिसमें तुम आसक्ति हो वो त्याग, तुम वो चीज को तुमको त्याग करना पड़ रहा है और वो चीज को तुम त्याग दे नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। उन्होंने और कुछ नहीं बताया, क्या घटना नहीं बताया, उन्होंने इतनी सी बता दिया कहीं तुम्हारी ज्यादा आसक्ति है, वो आसक्ति को तुम छोड़ नहीं पा रहे हो इसलिए तुम दुखी। गुरु जी ने राम ने बताया क्या करनी चाहिए, बोले आसक्ति को त्याग दो, आसक्ति को त्याग दो शांति हो जाएगा बस, बोले समझ गया। फिर उन्हें सीता को उन्हें याद किया, जबकि पूरी रामायण में यही सीखा है, रामायण में पूरी यही सीखा है, माया में आसक्ति होने से जीव का कितने दुख उठाना पड़ता है, ये चीज को उन्होंने सीखा दी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ग्रंथ हम श्रवण कर रहे हैं ना, कभी ये ग्रंथ क्या ग्रंथ है, कभी ये सहज आपके लिए वज्र है, इसी को अच्छी तरह समझो, ये वज्र है। क्यों, पहले बताए, पहले ये इंद्रियों को पहले दमन करो, उसको बाद में भक्ति के प्रतिकूल वस्तु को त्याग दो, अत्याहार प्रयास प्रजल को ये चीज को त्याग दो, उसको बाद में जो छेद तुम्हारी गुण आनी चाहिए है, उत्साह निश्चय धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सत्वृत्ति, ये गुण को लाओ धीरे धीरे। और ऐसे उन्होंने धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप उन्होंने धीरे धीरे कल जो सुन रहे थे लास्ट उन्होंने राधा कुंड बात बताई, राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सप्त वैकुंठ, वैकुंठ से वैद द्वारका, फिर मथुरा, फिर उसके बाद में वृंदावन, वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन है, और गिरिराज गोवर्धन से राधा कुंड श्याम कुंड ये सर्वश्रेष्ठ स्थान। उन्होंने धीरे धीरे ना लेकर के उन्होंने कहाँ पर राधा कुंड तक पहुंचा है। इसलिए कहते ये जो ग्रंथ है, कहते भैया ये ग्रंथ साधक जीवन के लिए इतनी अच्छी प्यारी ग्रंथ है। इसलिए हम लोग रोज रोज इसकी एक एक श्लोक को सुन रहे हैं, हम धीरे धीरे भक्ति जगत में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक श्लोक सुनेंगे, लेकिन हमारे बीच में प्रभु जी बैठे हैं, आ जाओ प्रभु जी। मैंने बहुत कभी तो भक्तों के बीच में प्रभु कभी बोले ही नहीं, लगता है जीवन में जब सुने सब बच्चे लोग बोल रहे हरि कथा, और एक लड़की भी बोल रही, बोले भैया जब सब बोल सकते हैं मैं क्या थोड़ी नहीं बोल सकता, आप लोगों की कोशिश करना थोड़ी थोड़ी बोलने के लिए भगवान कथा। इसलिए प्रभु जी बड़े साहस किए, बोले मैं कोशिश करूँगा महाराज जी। मैंने बताया था ना जब मथुरा में गुरुदेव थे, गुरुदेव सबको सुजग देते, तुम भी थोड़ा बोलो,
तुम भी थोड़ा बोलो क्यों धीरे धीरे सीखने के लिए। गुरुदेव कहते थे जिस भी साधु को विषय में तुम बोलते हो, बोलना मतलब है उनकी चरण में एक फूल को उनकी चरण में समर्पण करना, एक फूल को। प्रभु जी ने कहा भैया भैया मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक फूल ठाकुर जी की चरण में और संत की चरण में मैं भी एक फूल अर्पण करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु जी आज एक फूल को उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो फूल ही रूप गोस्वामी की चरण में। ओम ज्ञान तिमानंद ज्ञानार्जन सलभ्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाचाकल्पतरुभक्षकल्पासिद्धिरच कवितानां पाणिनि वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे कृष्णकनासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तनाथकान्तनमस्तुते। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो मैं कुछ बोलने के योग्य नहीं हूँ, मगर महाराज जी का आदेश था कि कुछ मुझे बोलना है, तो मैंने जो पिछले 8 दिन में महाराज जी से सुना है उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसी को मैं रूप गोस्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। हम लोग 8 दिन से कथा सुन रहे हैं, उसमें एक चीज बार बार आती है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। तो मेरा पूछना यह है कि इसमें दुर्लभ क्या है, क्या चीज है, मतलब मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है, क्यों बताया गया मनुष्य जीवन दुर्लभ। जीवन तो जो भी है वो सारे एक ही बार मिल रहे हैं, कुत्ते का जीवन है वो भी हमें एक ही बार मिलना है, मच्छर का जीवन है वो भी एक बार मिलना है, तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ क्यों बताया गया है, आइडिया है किसी को थोड़ा सा। देखिये इसमें जो है 3 मेन कारण है जिसलिए मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ बताया गया। सबसे पहला कारण है कि मनुष्य को बताया गया कि ये बुद्धिजीवी जीव है, बुद्धिजीवी प्राणी है, जितनी बुद्धि इसके पास है जगत में इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं है। और सवाल उठता है कि जानवर के पास भी बुद्धि है, वो भी बात को समझता है, तो मनुष्य जानवर में फर्क क्या हुआ। जानवर के अंदर जो बुद्धि है वो एक सीमित बुद्धि है, और जो मनुष्य है उसके अंदर एक असीमित बुद्धि है। जैसे किसी जानवर को अगर आप सर्कस में किसी भालू को साइकिल चलाना सिखा देंगे तो वो सर्कस में साइकिल तो चला लेगा, मगर अगर उसको जंगल में छोड़ देंगे तो वो किसी दूसरे भालू को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता। तो यही मनुष्य की जो असीमित बुद्धि है कि वो जो खुद सीखता है वो दूसरे को वो सिखा भी सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दूसरा कारण कि मनुष्य को भगवान ने जो बोलने की प्रवृत्ति दी है जिससे वो अपना कल्याण हरि नाम के थ्रू कर सकता है, वो भी मनुष्य को भी यह वरदान मिला हुआ कि वो हरि नाम कर सकता है। बाकी कोई आदमी कोई भी और प्राणी हरि नाम नहीं कर सकता, वो अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरे जीव जंतुओं का भी वो हरि नाम के थ्रू कल्याण कर सकता है। तीसरा जो मेन कारण है वो बताया गया है कि मनुष्य के पास जो ये जीवन है वो इसलिए दुर्लभ है कि 84 लाख योनियों में आने के बाद मनुष्य को भगवान ने ये लास्ट चांस दिया है हरि नाम करके अपने जीवन को राधा रानी के चरणों में लगा लें। तो ये हमारे पास लास्ट चांस है जिसके थ्रू हम अपनी जो 84 लाख योनियों में हमने भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान इस कष्ट से हमें बाहर निकालो, तो भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस जीवन में भगवान के हरि नाम के थ्रू भगवान के चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर सके। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संप्रदाय के साथ जुड़े हैं और हमारे साथ ऐसे गुरुदेव जुड़े हुए हैं जो हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम इसके लिए बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और हमें कोशिश करनी है कि इसी जीवन में हमें किसी भी तरह से हरि नाम के थ्रू भगवान राधा भगवान जी के राधा कृष्ण के चरणों में अपनी सेवा करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि हम तो है ही हैं, बाकी जो लोग इस भगवान से विमुख हैं या भगवान को नहीं जानते हैं या गुरुदेव की महिमा को नहीं जानते हैं वो तो उनका दुर्भाग्य है, मगर उनसे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य होगा अगर हम जानने के बावजूद भी इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसके बावजूद भी हम ये नहीं हरिनाम करते हैं समझने के बाद और जानने के बावजूद भी, तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्य और दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो ये जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हमने ये जीवन व्यर्थ कर दिया तो हमें फिर से दोबारा 84 लाख योनियों में कष्ट भोगना पड़ेगा और दोबारा से फिर हमें
भगवान के आशीर्वाद से और हमारे कर्मों के हिसाब से अगर हमें मनुष्य जन्म मिला तो जरूरी नहीं है कि वो जन्म हमारा भारत में हो, और अगर भारत में हुआ तो जरूरी नहीं कि हम हिंदू परिवार में दोबारा से जन्म लें, और अगर हिंदू जन्म हिंदू परिवार में भी जन्म हुआ तो जरूरी नहीं कि हम किसी शुद्ध संप्रदाय के साथ जुड़े और ऐसे गुरुदेव हमारे जीवन में दोबारा कभी आए। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इसी जन्म में और महाराज जी के अनुगत्य में हमें राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना। अब क्वेश्चन आता है कि हमें सेवा कैसे करनी है, उसके लिए महाराज जी ने बताया था, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि हमें गुरु के चरणों में सेवा करनी होगी। अगर हमें राधा रानी और कृष्ण जी की चरणों में सेवा करनी है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें गुरुदेव के चरणों में वो सेवा करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले हम अपने गुरुदेव के चरणों में सेवा करेंगे, वो गुरुदेव प्रसन्न होके अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा हमें देंगे, फिर वो गुरुदेव प्रसन्न होके हमें अपने चरणों की सेवा देंगे। इसी तरह से करते करते फिर हमारी सेवा रूप गोस्वामी जी तक जाएगी, जो राधा जी की प्रिय सखी है, जिनका नाम रूप मंजरी भी है। तो रूप गोस्वामी जी प्रसन्न होके हमें वो ललिता सखी के पास उनके चरणों की सेवा देंगे, और ललिता सखी प्रसन्न होके हमें राधा रानी जी के साथ मिलवाएंगी। तो हम डायरेक्टली राधा रानी और कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, हमें गुरुदेव के चरणों में अपनी सेवा देनी होगी। अभी कल हम लोग एक श्लोक पे बात कर रहे थे, श्लोक था ब्रह्मांड भ्रमते ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तलता बीज। ये जो चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में शिक्षा दी थी, उसी का एक अंश है जिसको मैं आपको थोड़ा सा कल अनिरुद्ध प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, मगर मैं उसको अपने तरीके से थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। उसमें बताया गया कि मनुष्य आदिकाल से जो है जन्म मृत्यु के चक्र में चक्कर काट रहा है, उसी तरह से हर 84 लाख जीवन में चक्र काट रहा है। तो इसके बाद भगवान की कृपा होने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और अगर हमने कभी जिंदगी में जाने अनजाने से 64 अंगों से अगर कोई भक्ति की है तभी जाके हमें किसी साधु संत की प्राप्ति होती है। तो वो 64 अंग हैं, जैसे आपने कोई कथा सुनी, भजन किया, तुलसी का सेवन किया, किसी ने कथा सुनी, किसी भी जाने अनजाने में अगर आपने कोई भी 64 अंगों से भक्ति की है तो आपको साधु संत प्राप्त होगा। तो साधु संत जब प्राप्त होगा, सदगुरु आपको मिलेंगे, तो वो आपको एक श्रद्धा नामक बीज आपके मन में उत्पन्न करेंगे। जो श्रद्धा है वो आपको सदगुरु से मिलेगी, आप उस श्रद्धा को, श्रद्धा नामक बीज को अपने हृदय की खेती के अंदर उसको उगाएंगे, और उसमें पानी देने के लिए और खाद देने के लिए हमें उसमें कीर्तन और श्रवण और हरि नाम, ये उसका खाद और पानी है। जब अपने हृदय में रेगुलर भजन कीर्तन करेंगे तो वो बीज हमारा, जो श्रद्धा का बीज है वो हमारा अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद उसमें से जो लता निकलेगी वो भक्ति लता हमारी निकलनी शुरू होगी, भक्ति का उसके अंदर भक्ति शुरू हो जाएगी, हमारी भक्ति लता होनी शुरू हो जाएगी। और जितना हम उसके अंदर पानी और भजन कीर्तन हम उसमें देंगे उतनी ही तेजी से हमारी भक्ति लता बढ़ेगी। अब जैसे जैसे भक्ति लता बढ़ती है तो हमारे पास एक समस्या आती है कि उसको जो जंगली जानवर है उनसे बचाने के लिए, तो हम भक्ति लता को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी भक्ति लता है उसके चारों तरफ एक कांटों की बाड़ लगा देते हैं, कांटों की बाड़ लगाते हैं जिससे कि कोई जंगली जानवर या कोई भी उस पक्षी हमारी जो भक्ति लता है उसको खराब ना कर दे। ये जो बाड़ लगाई ये क्या चीज है, ये है वैष्णव अपराध। हमें अपनी भक्ति लता को जो बचाना है वो वैष्णव अपराध से बचाना, क्योंकि बताया गया है कि वैष्णव अपराध जो है वो एक ऐसे पागल हाथी की तरह से है जो आपकी भक्ति को जड़ के सहित खत्म कर सकता है। अगर आपने जिंदगी में कभी कोई वैष्णव अपराध कर दिया तो जो भी आपकी भक्ति है वो जड़ से खत्म हो सकती है। तो हमें वो बाड़ लगानी है, कांटों की बाड़ लगानी है कि जिससे हमें कभी वैष्णव अपराध ना हो। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, हरिनाम करते रहेंगे, तो ये लता हमारी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते ये ब्रह्मांड को से निकल के, ब्रह्मलोक से निकल के सीधी गोपाल गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों तक ये भक्ति लता जाती। मगर होता क्या है कि जैसे जैसे भक्ति लता हमारी बढ़ती है तो इसमें से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। ब्रांचेस आपने देखा होगा कि जब किसी पेड़ की ब्रांचेस ज्यादा हो जाती है तो उसका जो मेन उसकी तना है वो बढ़ना कम हो जाता है, ब्रांचेस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ये ब्रांचेस क्या है, ये ब्रांचेस है हमारी भूखों की इच्छा, हमारा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है, जीव हिंसा और इस तरह के जो ये हमारे सम्मान मान सम्मान जिस हमारे होता है उसकी इच्छा, ये हमारी ब्रांचेस है।
तो हमें क्या करना होगा कि भक्ति के साथ साथ अगर हमें भक्ति लता को बढ़ाना है तो हमें जो ब्रांचेज है ये साथ साथ अपनी काट के चलना होगा। ये ब्रांचेज हम काटते रहेंगे, जब हम उस ब्रांचेज को काटेंगे तो हमारी भक्ति लता जो है बहुत तेजी से चलेगी और बहुत तेजी से वो हमारे गोलोक वृंदावन जाके ठाकुर जी के चरणों में जाके मिलेगी। और जिस दिन वो ठाकुर जी के चरणों में मिलेगी उस दिन उसमें से एक प्रेम रूपी फल बनेगा, वही प्रेम जो है हमारे लिए परम पुरुषार्थ है, उसी प्रेम की भक्ति के लिए हम लोग जो है ठाकुर जी की चरण की सेवा करते हैं। तो हम इस तरह से ठाकुर जी की चरण की सेवा कर सकते हैं। अब बहुत हम पहला बार बोले लेकिन पहला बार बढ़िया एकदम सीरियल 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 वाचा कर करो वैसे तब पास भी हो अच्छा तभी ताने पाम में भी बैठ सकते हैं। अरे तो मन मन कहाँ गया था मन मन प्रभु मन मन हरे कृष्णा हाँ ताली बजाओ मैंने थोड़ा उत्साह आ जाएगा। ऋषि प्रभु है। अरे मनवा है ऋषि प्रभु ऋषि 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 बोलोगे आ जाओ आ जाओ नहीं वो हमारे मन मन वही बोलेगा बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare 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 Hare
बोले ईश्वर बहुत सारे, बोले क्यों बोला ईश्वर, परम कृष्णा, बोले जब सरस्वती गोस्वामी पाद कथा सुना रहे थे तो उन्होंने बोला वो जब भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे थे तो उन अवतारों में कृष्ण को भी अवतारों में ही ले लिया, तो उनको लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्यों, क्यों कृष्ण अवतार नहीं, कौन है वो, अवतारी। तो इसलिए उन्होंने बोला एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके निरंति युगे युगे। बोले एते चांस कला पुंस, बोले एते च अंश कला, बोले जितने भी मैंने अभी वर्णन करे हैं या तो कोई उनका अंश है या उनके अंश का भी कोई अंश है, पर लेकिन एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पर जो कृष्ण है वो कौन है, भगवान स्वयं। बोले वो भगवान है तो फिर इस जगत में आते क्यों है। बोले इंद्रारी व्याकुलम लोके निरंति युगे युगे, बोले इंद्रो इंद्र के जो अरि है, अरि मतलब क्या होता है, अरि मतलब होता है जो उसके शत्रु हैं उनका संहार करने के लिए वो बार बार इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। पर इसका मतलब अवतार लेने की वजह से वो ये नहीं कि अवतारों में गिनती होगी, वो वास्तव में कौन है, बोले वो मूल अवतारी है। फिर उन्होंने एक अलग श्लोक लिया, बोले क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले ईश्वर, बोले ईश्वर तो बहुत सारे हैं, जैसे नारायण भी हैं, रामचंद्र जी भी हैं, नरसिंह भगवान भी हैं, वामन देव भी हैं। बोले इन सब ईश्वरों में परम क्या होता है, परम बोलते हैं बोले भाग्य, एक होता है सौभाग्य, एक होता है परम सौभाग्य। तो वैसे ही ईश्वर की भी कोटि है। बोले ईश्वर की कोटि क्या है, कोई अंश है, कोई कला है, कोई स्वयं भगवान है। उसी प्रकार से उन्होंने बोला ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह। बोले सत चित क्या है, बोले सत चित आनंद विग्रह, बोले सत मतलब होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस। थोड़ी यहां पर आगे जटिल होने वाली, कुछ लोग बोलेंगे हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा है। इस चीज को मुझे समझने में 4 साल लग गए, मुझे नहीं लगता कि पहली क्लास में किसी को समझा पाऊंगा, पर फिर भी सुनो, सुनने से कम पता तो चलेगा कि कृष्ण का तुम है क्या। तो उस कृष्ण के लिए वेदों में एक श्लोक बोला गया, बोले क्या, वदन्ति तत् तत्विदस्तत्वं यजगानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। बोले वदन्ति तत् तत्विदस्तत्वं, बोले जो तत्वविद लोग हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, उन लोगों का कहना है कि एक अद्वैय ज्ञान पर तत्व, एक वस्तु है जिसकी प्रतीति कौन है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीनों प्रतीति उस अद्वैय ज्ञान पर तत्व की, ये तीन प्रतीति है। बोले अद्वैय ज्ञान पर तत्व का मतलब क्या होता है, अद्वैय ज्ञान पर तत्व, बोले अद्वैय ज्ञान बोलते हैं जिसके अंदर तीन भेद नहीं पाए जाते। कौन से भेद, सगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, ये तीन प्रकार के भेद होते हैं। जिस वस्तु के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ये तीन प्रकार के भेद नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं अद्वैय ज्ञान पर तत्व। सगत भेद मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, सिद्धांत यहाँ पर और कठिन होने वाले हैं। बोले क्या होता है अद्वैय ज्ञान पर तत्व, मतलब सगत भेद मतलब क्या होता है, बोले एक ही वस्तु के विभिन्न अव्ययों में परस्पर भेद देखा जाना, यह है सगत भेद। दोबारा रिपीट करता हूं, एक ही वस्तु के विभिन्न अव्ययों में परस्पर भेद, यही है सगत भेद। बोले एक ही वस्तु कैसे, बोले मैं, मेरा शरीर एक वस्तु है या नहीं, पर मेरे शरीर में अगर देखें तो अलग अलग भेद हैं। बोले कैसे, बोला मेरा जो पैर है वो मेरे हाथ का कार्य नहीं कर सकता, जो मेरे हाथ है वो मेरे पैर का कार्य नहीं कर सकते, मेरी आंखें मेरे कान का कार्य नहीं कर सकते, मेरी नाक मेरे मुंह का कार्य नहीं कर सकता और मेरा मुंह मेरी नाक का कार्य नहीं कर सकता। है एक ही वस्तु, पर इस एक वस्तु में कितने सारे भेद हैं, भेद है या नहीं, कितने लोग मानते हैं हाँ भैया भेद है, नहीं हमारी आंखें सुन भी सकती है, भाई ऐसा कोई है, कोई बोल दे नहीं भैया मेरी जीभ सुन भी सकती है, कोई है ऐसा बोलने वाला, नहीं भाई मेरी मैं अपनी आंखों से प्रसाद पा सकता हूँ, ऐसा कोई है बोलने वाला, बोले भाई मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ मुझे बता नहीं। बोले लेकिन भगवान के अंदर ये सगत भेद नहीं पाया जाता। बोले कैसे, बोले भगवान की प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक कार्य कर सकती हैं। बोले कैसे, इसका एग्जांपल क्या है, बोले साक्षात जगन्नाथ देव जी। बोले जगन्नाथ देव जी में जब भोग लगता है तो कैसे भोग लगता है, हमारे प्रभु जी उड़ीसा से ही है, हमारे शिला गुरुपाद पंत भी उड़ीसा से है, हमारे प्रभु जी यहाँ पे कई सारे लोग उड़ीसा से हैं, वो जानते हैं
जगन्नाथ जी को भोग कैसे लगता है, जगन्नाथ जी प्रसाद कैसे पाते हैं, बोले आंखों के द्वारा। उनको बोलते हैं कि दृष्टि भोग लगाना। जब रथ यात्रा होती है तो हर कोई जाके थोड़ी ना देता है कि हाँ यहाँ पे मेरा भोग लगा दो। वो क्या करते हैं, खोल के जगन्नाथ जी के सामने दिखा देते हैं। जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ गई तो समझो वो भोग भगवान को अर्पण हो गया। तो यानी कि भगवान के समस्त जो जितने भी अंग हैं समस्त कार्य कर सकते। इसके लिए एक श्लोक भी आया, ना तस्य कार्यं तृणं च विद्यते ना तत् समस्य अभयाधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविधे शूरते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यं तृणं च विद्यते। भगवान की कोई भी इंद्रिया हमारी तरह जड़ी है नहीं है। उनकी इंद्रिया कैसी है, बोले अप्राकृत इंद्रिया है। प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। फिर दूसरा भेद आता है सजातीय भेद। सजातीय भेद मतलब एक ही जाति में परस्पर भेद। एक ही जाति मतलब कैसे, इंसान का इंसान में भेद, पेड़ का पेड़ में भेद, जानवर का जानवर में भेद। एक ही जातीय वस्तु का उसी की जातीय वस्तु में भेद पाया जाना। बोले इंसान का इंसान में भेद कैसे, बोले हर दूसरे इंसान की शक्ल अलग है, हर तीसरे इंसान का स्वभाव अलग है, हर चौथे इंसान का स्टैंडर्ड अलग है, हर पांचवें इंसान के विचार अलग है। तो भेद है कि नहीं है, बोले चाइनीज कैसे दिखते हैं, उनकी आंखें कैसी होती है, ऐसे खुली बंद कुछ पता नहीं चलता। और हमारे साउथ इंडियन लोगों की आंखें कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है कमलाक्ष की तरह। अमेरिका के लोग कैसे होते हैं, व्हाइटिश एकदम प्योर व्हाइट। और अफ्रीका के काला कया। तो परस्पर भेद है नहीं है, इंसानों में ही परस्पर भेद है। बोले पर भगवान में ये भेद नहीं देखा जाता। बोले कैसे, अब बोले हमारे सजातीय कौन है, भैया हमारे इंसानी लोग। मेरा सजातीय कौन है, मेरा भाई, मतलब आप सभी जो इंसान है, कुत्ता मेरा सजातीय थोड़ी होगा। तो बोला भगवान की सजातीय कौन है, भगवान के सजातीय व्यक्ति कौन है। बोले भगवान कौन है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो भगवान के सजातीय कौन होंगे, यानी भगवान के ही जो अंश है, भगवान के ही जो अवतार है, वो ही उनके सजातीय है। जैसे राम, नरसिंह, वामन, नारायण, ये कौन है, ये भगवान के सजातीय हैं। अब बोले भेद कैसे नहीं है, बोले नरसिंह, नरसिंह जी का रूप देखो, ऊपर सिर का वेश है, ऊपर सिर किसका है, सिंह का, नीचे शरीर किसका है, नर की तरह। बोले रामचंद्र जी के हाथ में क्या है, धनुष। कृष्ण के हाथ में क्या है, बंसी। रामचंद्र जी मोरपंख नहीं लगाते, कृष्ण क्या लगाते हैं, मोरपंख लगाते हैं। बोले लक्ष्मण में और बलराम में अंतर है। बोले भगवान के सजातियों में भी भेद देखा जा रहा है, फिर आप कह रहे हो भेद है नहीं। बोले भेद नहीं है, बोले क्यों, इसके लिए एक श्लोक आया ब्रह्म संहिता में, दीपाय चिरे दशांतरम भेद्य दीपायते विरुद्ध हेनु समान धर्म यस्ता दृगेव च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। बोले दीपाय चिरे दशांतरम भेद्य, बोले जिस प्रकार से एक दीपक से हजारों दीपक जला दो, दिखने में अलग अलग है पर सभी दीपक का धर्म क्या है, प्रकाश प्रदान करना। अब चाहे वो दीपक छोटा हो या दीपक बड़ा हो, छोटा दीपक का धर्म क्या है, प्रकाश देना, और जो बड़े दीपक हो उसका धर्म क्या, अंधेरा फैलाना है क्या, उसका धर्म क्या होगा, उसका धर्म भी क्या होगा, प्रकाश फैलाना। जैसे बोलते ना तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, वो क्या कहलाएगा, तुलसी का पत्ता ही। इस प्रकार से दिखने में लगता है कि भगवान के जितने भी अवतार है उनके स्वरूप के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार भेद देखा जाता है, पर वास्तव में भेद नहीं है, क्योंकि धर्मता वो क्या है, स्वभावता वो क्या है, सभी के सब कौन है, सत चिदानंद विग्रह। तो भगवान में सजातीय भेद भी नहीं देखा जाता। फिर बोला क्या, विजातीय भेद। बोले हमारे विजातीय कौन है, इंसान का विजातीय कौन है, जानवर, नॉर्मल सी बात, इतना सोच के रहो, इंसान का विजातीय कौन है, जानवर। जानवर में और इंसान में क्या भेद है, किसी को नहीं पता, प्रभु जी ने तो बताया, आप लोग तो बताओ, या कोई भेद नहीं लगता। इंसान के दो पैर हैं, जानवर के चार पैर है नहीं है, उसका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, उसका स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। पेड़ का और इंसान में कितना भेद है, पेड़ की जगह खड़ा रहता है, इंसान कहीं भी जाके कुछ भी करके आ जाता है, वो बात अलग है, कर्म हो या कर्म हो। कितने सारे भेद है सजातीय में और विजातीय में, पर लेकिन भगवान की विजातीय कौन है, भगवान कौन है, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान की विजातीय कौन होगी,
जिसके अंदर ये तीनों तत्व नहीं होंगे। ये जड़ जगत कैसा है? सत चित आनंद से रहित। जो भगवान की माया शक्ति है, जो चित शक्ति है, वो सच्चिदानंद में है, पर जो भगवान की जड़ शक्ति है वो सच्चिदानंद में नहीं है। सच्चिदानंद में मतलब क्या होता है? कभी भी उसका नाश नहीं होता, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद प्रदान करने वाली है। पर इस जड़ जगत में क्या है? सब कुछ उल्टा है, नश्वर है, अज्ञानता का मूल इसमें कारण है इस जगत का। और आनंद किसी को आज तक प्राप्त हुआ है इस जगत में आगे? तो ये जो माया शक्ति है भगवान की क्या है? विजाती है। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बस क्या बोलते जा रहा हूँ, सब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो तत्व है ना, ये बड़ा गहरा तत्व है और हमारी शास्त्र का ये बड़ी बड़ी रहस्य तत्व जो बता रहा है ना, ये तत्व हमारे मंदिर में बड़े बड़े लोग भी इस तत्व नहीं जानते। ये बड़ी बता रहे ना, 4 साल मेरे को लगा, 4 साल क्या 100 साल भी बीत जाए समझना बड़ा कठिन। मतलब ये हमारे गौड़ीय मठ में अभी बड़े बड़े 50 साल भी हो गया होगा, लेकिन ये तत्व को समझना बड़ा कठिन तत्व है। अगर ये तत्व समझ गए ना, फिर भगवान कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, ये सब चीज को अच्छे तरह से, भगवान कौन है, भगवान की क्या महिमा है, ये बहुत अच्छी बात लगता है। आप भी धीरे धीरे सुनते 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 कभी आपको पल्ले में पड़ी, कभी ये चीज आपको पल्ले में पड़ेगी, लेकिन एक बार सुन लो, एक बार सुनोगे तो एक धारणा हो जाएगा, फिर कभी फिर धीरे 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 कोशिश करो तो समझने के। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने और हमारे गलते विद्याभूषण प्रभु ने सब चीज को, जीव गोस्वामी ने ये सब चीजों को समझाने के लिए तो उन्होंने सब बात को बताया। बड़ी गहरी तत्व है, जितना समझ सके समझ लो, वो तो कोशिश कर रहा है समझाने के लिए। मुझे लगता है समझा दिमाग से ऊपर में, ये सब चीज सुन के दिमाग ऊपर से जा रहे, तभी सुन लो। कितने लोग थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है, बाकी सब पूरा। अगर एक ही हाथ खड़ा करता तो मेरा इतने सारों ने कर दिया है, ठीक है। भगवान की विजाती कौन है? बोले माया शक्ति। बोले पर भगवान की माया शक्ति में और भगवान में भेद किस प्रकार नहीं है? अब एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं 100 किलो वेट उठाऊंगा तो उठा नहीं पाऊंगा। अगर मैं 100 किलो वेट उठाऊं और मैं कहूं कि मैंने 100 किलो वेट उठाया, या मैं ये कहूं मैंने अपनी शक्ति से 100 किलो वेट उठाया, दोनों में क्या अंतर? समझ पाए? अगर मैं ये कहूं कि मैंने 100 किलो वेट उठाया, या मैं ये कहूं मैंने अपनी शक्ति के द्वारा 100 किलो वेट उठाया, तो दोनों बातों में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? कोई अंतर है? कितने लोग मानते हैं कि हाँ भाई अंतर है? हाथ खड़ा कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। कैन यू एक्सप्लेन दैट, क्या अंतर है? तो शक्ति किसकी है और मैं किसका हूं? शक्ति का। शक्ति में और मुझ में कोई भेद है क्या? मतलब मेरी शक्ति मुझसे अलग निकल के खड़ी हो गई, उसने वेट उठा लिया, मेरे को मेरी शक्ति ने वेट उठाया, ऐसा है क्या? शक्ति मेरे अंदर ही तो है। मैं कहूं मैंने वेट उठाया, या मैं कहूं मेरी शक्ति के द्वारा वेट उठाया, बात में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस तब होता मेरी शक्ति निकल के मुझसे हार खड़ी गई होती, वो वेट उठा करके बोलती देख मैंने वेट उठाया, मैं कह रहा मेरी शक्ति ने वेट उठाया, ऐसा होता तो अंतर होता, पर ऐसा नहीं है। मेरी शक्ति की सत्ता किससे है? मैं हूं तो मेरी शक्ति है, मैं नहीं हूं मेरी शक्ति बचेगी क्या? बोले देख शरीर पड़ा, शक्ति यहां खड़ी है, ऐसा है क्या? बोले नहीं। बोले भगवान में एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? शक्ति शक्ति मतो अभेद, मतलब शक्ति में और शक्तिमान में किसी प्रकार का भी भेद नहीं होता, शक्ति की सत्ता शक्तिमान से ही होती है। बोले कि ये जो जड़ शक्ति है ये भगवान की क्या है? छाया शक्ति है। बोले कैसे? भगवान की जो स्वरूप शक्ति कौन है कोई बता सकता है? राधा रानी। भगवान की स्वरूप शक्ति कौन है? राधा रानी। बोले राधा रानी की जो छाया है वही ये जड़ शक्ति है। तो बोले भगवान की शक्ति कौन है? राधा रानी। राधा रानी किसकी शक्ति है? भगवान की। तो भगवान में और राधा रानी में कोई भेद हुआ? नहीं। कोई भेद हुआ? नहीं।
तो भगवान में और राधा रानी में जब कोई भेद नहीं है तो भगवान की जो शक्ति है उसमें और भगवान में कोई भेद हुआ नहीं हुआ। इस प्रकार से भगवान की जो विजातीय शक्ति है उसका भी विजातीय तत्व में भी भगवान के साथ कोई भेद नहीं है। तो एकमात्र केवल कृष्ण ही है जो अद्वैय ज्ञान परतत्व है। अब बोल सकते हैं कि भैया नारायण भी तो हो सकते हैं, नरसिंह भी हो सकते हैं, रामचंद्र भी हो सकते हैं, सभी सच्चिदानंदमय है तो सबको अद्वैय ज्ञान परतत्व क्यों नहीं बोला, सिर्फ कृष्ण को क्यों बोला, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद वगैरह, यहाँ पे राम क्यों नहीं आया, नरसिंह क्यों नहीं आया, बोले बोल सकते थे, क्यों नहीं बोला यहाँ पे, सिर्फ कृष्ण ही क्यों लिखा यहाँ पे। उसके लिए बताते सिद्धांतस्य अभिदेति श्री ईश कृष्ण स्वरूपयो रसे उत्कृष्यते कृष्ण रूप में सा रस स्थिता। बोले सिद्धांत था, सिद्धांत क्या है, सत चित आनंद, जिसके अंदर ये वस्तु है वो सारे एक जातीय के हैं। बोले सिद्धांतस्य अभिदेति मतलब नारायण में, कृष्ण में, राम में, नरसिंह में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। बोले फिर कृष्ण का नाम क्यों आया, बोले रसेन उत्कृष्यते, बोले रस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कृष्ण की पराकाष्ठा ज्यादा है। बोले अगर कृष्ण में रस की स्थिति, रस की पराकाष्ठा नहीं होती तो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर के आज भैरव में तपस्या नहीं कर रही होती, कहीं ना कहीं कृष्ण में रस की रस तत्व जो है वो क्या है, बाकी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या नाम आया, कृष्ण का नाम आया। फिर यहां पर आया सत चिद आनंद विग्रह, अब लोग सोने लगे, अरे ठीक है बात को रोज रोज थोड़ी थोड़ी बोलना चाहिए, एक साथ में बोलोगे ना तो दिमाग से ऊपर चले जाएंगे, इसलिए आज इतना रहो, फिर कल यहाँ से आगे जो बात है रोज रोज थोड़ी थोड़ी 10 मिनट की बहुत अच्छी बात है। देखो एक जो सिद्धांत की बात है ना, लगता है ये कठिन है लेकिन कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, जो सिद्धांत तो चीज है अलसता मत करो, क्यों, जिसको द्वारा तुम्हारी जो चित्त है भगवान में दृढ़ रूप में लग जाती है, नहीं तो हम क्या होता है ना थोड़ी सी इधर उधर कोई बात कर दिया फिर हमें कृष्ण भक्ति छोड़कर जितने बार दिन तो पीछे भाग लग जाएगी, फिर भगवान की भक्ति छोड़कर और कोई भाग जाते, क्यों, कारण हम ये तत्व चीज को हम नहीं जानते। अगर तत्व चीज को समझोगे, इसलिए हम बताए ना तीन तरह का भक्त, एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ, बताओ किसको याद है, उत्तम भक्त किसको कहते हैं, क्या लक्षण है, सब भूल रहे, बता जोर से बोलो, हाँ, इसलिए जो अपना साधन भजन को पक्के रखे और दूसरों को भी सिद्धांत तत्व के द्वारा और दूसरों को भी अनुप्रेरणा कर दे उसमें भी लगा दे, तब ये उत्तम भक्त है। मध्यम भक्त कौन है, जो अपना भक्ति को, अपना साधन को एकदम सही रूप में अपना साधन भजन कर ले। बोले कनिष्ठ कौन है, इसलिए जिसका भक्ति डामाडोल सा है, इच्छा हो गया माला कर लिया, इच्छा नहीं हुआ तो माला जहां तहां लट गया, गले से कंठी उतर गई कोई बात नहीं, कभी तिलक लगाया कभी तिलक लगाया नहीं, गुरु मंत्र कर लिया कभी गुरु मंत्र किया, ये भक्त नहीं, ये बड़े डामाडोल सा भक्त, इसको कहते सबसे नीचे भक्त है, सबसे ही कनिष्ठ भक्त है, जिसको भक्ति में कोई निष्ठा है नहीं, क्यों, ये सिद्धांत तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं भैया जो सिद्धांत तत्व को अच्छे तरह से समझो फिर तुम्हारी जो भक्ति है ना ये भक्ति तुम्हारी पक्की रहेगी, नहीं तो कच्ची भक्ति, तुम्हारी भक्ति कच्ची थोड़ी सी इधर उधर होगा भजन भजन सब छोड़ जाने करके वहां दूसरे लग, इसलिए हमें कच्चे भक्त नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, एकदम पक्के बनने चाहिए, इसलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं भैया सिद्धांत चीज को अच्छे तरह से समझो अब इसमें अलसता मत करो। अब ये बच्चे के लिए जो जाए ताली हो जाए, आगे सुनेंगे कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह किस प्रकार है, वांछा गणपति वर्ष के पास रोहिणी तुम बोलोगे, रोहिणी आजा बोला हरे कृष्ण। देखो जब गुरुदेव हमारे बड़े गण गुरुदेव मथुरा में थे ना, जब बड़े गुरुदेव मथुरा थे में ऐसे बच्चों को उत्साह दे करके धीरे धीरे उनको खड़े करके बुलवाया करते थे, सिखाया करते थे, तभी गुरुदेव के बाद में
इतने सारे गुरु जी के शिष्य निकले और इतने अच्छे से शिष्य निकले, अभी संपूर्ण विश्व में ये महाप्रभु का वाणी संपूर्ण विश्व में प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भी देखो, हमारे वृंदावन में सुना, वृंदावन में एक प्रभु जी रहते हैं, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, उनका नाम क्या है, श्री परमेश्वरी प्रभु जी। ये है ना, बच्चों को जो सिद्धांत बता रहे हैं उन्होंने वहीं से उन्होंने सुने। हमारे मंदिर में बड़े बड़े सन्यासी हो गए लेकिन ये विचार बोलो नहीं बोल पाएंगे, मुंह निकलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने दिमाग में ठोस ठोस करके, एक बच्चे के ठोस ठोस करके दिमाग में घुसा घुसा करके एक विचार को समझाकर कर, इसलिए और दिमाग को घुसाते हैं, इसलिए जो बला है वो वहीं से उन्होंने सुना है। और ये जो खड़ा है अभी लंबे चौड़े, ये भी वही सही वृंदावन में कुछ दिन रहे, वहां पर प्रभु जी से कथा सुने, प्रभु जी से कथा सुने, सुन करके उन्होंने ये सब सिद्धांत विचार को सीखा है। इसलिए उनकी जो कथा है ना ये लाइफ में आती है, सवेरे शाम को वो दो बार कथा देते हैं, वो कथा उसमें लाइफ में सुन कथा आती है। अगर आप लोग घर में बैठे बैठे करके भी आप लोग ये सब कथाओं को सुन सकते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सकदा अपने गुरु पाद पद्म में लीला प्रवेश और विष्णु प्रणव स्तोत्र का शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ, उनसे उनके ऐसे भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मंत्र ऐसी पूजा का शिष्य भक्ति के राधा श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम, उनसे उनके ऐसे भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा से श्री रूप गोस्वामी श्री गोस्वामी से प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडों प्रणाम। आप सब उस पर कृपा करेंगे, महाराज जी कृपा करेंगे कि कुछ बोल पाऊंगा। एक चीज प्रभु जी ने अभी अभी बोली कि प्रभु जी आपको देख के सबने पला कर लिया, सबने सर ढक लिया, मटके चेट हो गया। ठीक है, ये भय केवल मुझे देख के नहीं आना चाहिए, ये वैष्णवों को देख के गुरु वर्गों को देख के आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पिछले दो तीन दिन से संख्या भी घट रही है, संख्या भी घट रही है, पर जो संख्या आ रही है वो बड़े अच्छे से नियम से आ रही है। सारी माताएं बहनें सब चुन्नियां लेकर आ रही हैं, सर ढक के आ रही हैं, ये बहुत सुंदर चीज है, बहुत ही सुंदर चीज है। वैष्णवों का गुरु वर्गों का हृदय प्रसन्न होता है ऐसे आसन करते हुए देखते। और कल जो प्रसाद बनेगा ना, विशेष प्रसाद, अभी तो जो प्रसाद यहाँ पर नहीं पाए हो, कल हमारे रमा दीदी रमा माता जी बढ़िया प्रसाद की तरफ से माता जी बोले एक दिन मेरी प्रसाद होगी, लेकिन सबसे अलग होनी चाहिए, अभी तक यहाँ पर जो प्रसाद बनी नहीं, मतलब अच्छी बात है। शनिवार के दिन अभी तक काफी आपने प्रभु जी से बड़े बड़े कठिन सिद्धांत सुने, हमें महाराज जी ने कहा कि केवल चार साल या कुछ साल नहीं हजार साल भी सुनते रहोगे तब जाके ये सिद्धांत दिमाग में बैठते हैं। पर साथ ही साथ क्या है, सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गुरु वैष्णव जो बोल रहे हैं, साथ ही साथ देखो जो मैं भी बोल रहा हूँ सिद्धांत या जो प्रभु जी ने भी बोला, ये हमने महाराज जी से सुने, प्रभु जी से सुने, वृंदावन में अपने गुरुदेव से सुने। तो क्या है ये सिद्धांत, जब हम एज इट इज देते हैं ना, तो जो महाराज जी गुरु वर्गो ने जो शक्ति दी हुई थी ना, वो एज इट इज आपके पास आती है। जैसे पानी की टंकी है, उसमें मैंने अगर नमक घोल दिया ना, तो ये नहीं है कि ऊपर की मंजिल में ही नमक आएगा, नीचे की मंजिल में आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो उसी तरीके से चाहे ये छोटे से नलकों से भी आपको बूंद बूंद कुछ मिल रहा है, ये वहीं से आया हुआ, इसके साथ शक्ति भी संतरित होगी। तो जो श्रद्धा से श्रवण करेगा, हो सकता है नींद आए, हो सकता है ना समझ में आए, हो सकता है पड़ोस वाला आपको अपने घर की कथा सुना रहा हो, या सामने किसी का सूट बड़ा अच्छा लग रहा हो, थोड़ी देर के लिए मन को रोक के
अगर आपने श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब ही क्या है कि अपने जो सारी अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं कहां केंद्रित कर दो, कहां केंद्रित कर दो, उस सेवा में। अभी इस समय देखो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के कई अंग बताए, उसमें से एक हरि कथा श्रवण हमारे गुरुदेव ने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हमारे गुरुदेव कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते हैं वो, कि जिसकी भजन में रुचि हुई है, साधन में रुचि हुई है, कैसे परीक्षण होगा, हरि कथा में बैठेगा, चेष्टा करेगा हरि कथा समझने की, और नहीं भी समझ पाएगा ना तो देखना उस पर कृपा होगी, स्वतः एक दिन अपने आप हरिनाम करते करते उसको समझ में आ जाएगा। अब जब एक भक्ति का अंग आप पालन कर रहे हो, देखो भक्ति के कई अंग हैं, कीर्तन करना भक्ति का अंग है, प्रसाद पाना भक्ति का अंग है, प्रसाद भोग बनाना भक्ति का अंग है, हरि कथा श्रवण करना भक्ति का अंग है, हरि नाम भक्ति का अंग है, पर अगर खिचड़ी बनाओगे तो ना चावल समझ में आएगा, ना दाल समझ में आएगी, ना सब्जी समझ में आएगी, वो घुट जाएगा सब कुछ। पाव भाजी होती है ना, पाव भाजी में से आप शिमला मिर्च अलग कर सकते हो, आलू अलग कर सकते हो, बोलो नहीं भाई मुझे आलू खाना, आलू का टेस्ट नहीं आएगा, सारी घुट जाती है, अजीब सा हो जाता है। ऐसे ही हर भक्ति के अंग को मिश्रण मत करो। मैं देख रहा हूं, मैं अपने अधिकार से बोल रहा हूं, तो अपने अधिकार से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे तो वैष्णवों से गुरु वर्गों से यही निर्देश मिला कि तेरे अधिकार के लिए, क्यों, क्योंकि अभी तुझे कथा समझ में तो आ नहीं रही, ऊपर से हरिनाम और कर रहा है, दूसरा हाथ भगवान ने फ्री दे दिया और ये उंगली बाहर निकलवा दी तो टच स्क्रीन वाला मोबाइल भी चल रहा है, समझना, इतने सारे चीजें, क्यों, टच स्क्रीन वाले मोबाइल में भी तो हम हरि कथा ही पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ खोल रखा है, ये सारे अगर अंग मेरे जैसे कर पाएंगे तो हम एक भी अंग को सही से पालन नहीं कर पाएंगे, तो जब एक भी सही से अंग पालन नहीं कर पाए तो क्या उस अंग का फल मिलेगा। सभी भक्ति के अंगों का फल क्या है, कृष्ण भक्ति ही है, पर मैं किसी सही से किसी एक का पालन कर ही नहीं पा रहा। कितनी माताएं हैं, कब से माला कर रहे हो, कितनी होगी कथा में माला, और जो तत्व सिद्धांत सुनाई दिए वो कहीं लिखे, कहीं लिखे, या कम से कम बगल में कोई बैठा है उसकी कॉपी में देख रहे हो कि क्या लिख रहा है। अरे जिस भाषा में लिखना आता है उसमें लिख लो कुछ भी, या एक एक कम से कम कोई दो चार शब्द लिख के ले जाओ, ये बहुत, आपको पता नहीं आपके कितनी बड़ी कृपा हो रही है, हमें कितने कितने साल लग गए ये एक एक बात सुनने में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सामने छत्ता फोड़ा जा रहा है, ये मधुमक्खियों ने, महाराज जी ने, समझ लो कि हमसे या खुद भी शास्त्रों से जो जिसने जिसने जहां जहां से जो इकट्ठा किया शहर, वो आज आपके सामने बस ऐसे ही चम्मच में लेके आपके सामने डाला जा रहा है। पर मीठा शहद कैसा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, पर एक व्यक्ति को शहद भी कड़वा लगता है, किसको लगता है, किसको लगता है, किसको, अरे पीछे बोल भी तो रहे हैं भाई लोग, जिसको पीलिया जॉन्डिस हो जाए, जिसको उसको शहद कड़वा लगता है, पर फिर भी डॉक्टर कहता है खिलाओ मीठा, खिलाओ इसको, ये मीठा खाते खाते ही ठीक होगा। तो अगर हरी कथा मुझे समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब मुझे कौन सा रोग है, पीलिया, भक्ति का पीलिया, भक्ति का जॉन्डिस, और भक्ति का जॉन्डिस कैसे ठीक होगा, उसी भक्ति के अंग को पालन करके। हरी नाम में मन नहीं लगता, हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हरी नाम में मन नहीं लगता, अब तो हरी नाम करके डर और लगता है, तुम हरी नाम पकड़ते ही मन में गुस्सा और आ गया, काम क्रोध ऐसा लग रहा है बढ़ गया है, तो गुरुदेव भी साफ साफ कहा इसको करते रहो, करोड़ों करोड़ों जन्मों से क्या करते आ रहे थे, आपको याद है, नहीं याद है ना, पर अपने संस्कार से अपनी स्थिति से आप पहचान सकते हो कि मैं पिछले जन्मों में क्या करके आया हूं। आपने आज कथा सुनी, चार चीजें बड़ी अच्छी से समझ में आई और मन एकदम उत्तरांतित हो गया, उत्साह आ गया, कल से क्या अभी से शुरू कर दूंगी, तो समझना पूर्व जन्मों में कुछ करके आए थे अच्छा से, और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा और ध्यान देने की भी चेष्टा नहीं कर रहे, बगल वाले सोच रहे इससे तो अच्छा बगल वाले से कुछ बात ही कर ले, या उठ के बाहर ही घूमाते हैं, यहाँ थोड़ी गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो सुकृतियां नहीं है, तो क्या करोगे, पीलिया हो रखा है तो क्या करोगे, अरे बैठे रहो,
हमारे तो प्रभु जी कभी कभी कहते हैं नींद भी आ रही है कथा में ही सो जाओ कोई बात नहीं, कथा शब्द ब्रह्म है अंदर जाएगी कुछ तो असर करेगी, इसलिए कथा के स्थानों को मत छोड़ो। और एक जो स्पेशल बात बताऊंगा, आप तो चलो ठीक है होगा ना, अपने बच्चों को क्या कहते हो, देख भाई हमने तो अपनी जिंदगी में जो करना था कर लिया, अब तू अपना देख, कहते हो बच्चों को नहीं कहते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बच्चों को कहो ना कि भाई हम तो इतना पक पका के आए हैं, बुद्धि भी शायद साथ नहीं दे रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, एक एक आसन में बैठने में 10 बार इधर उधर हो जाते हैं, तो उन बच्चों को बाहर क्यों घूमने दे रहे हो या पीछे क्यों बैठने दे रहे हो, अपने साथ क्यों नहीं बिठा रहे हो, या तो पापा के साथ बिठाओ या माता जी अपने साथ बिठाए, क्यों नहीं बिठा रहे हो, उनको भी बिठाओ, उनको ये बातें सुनाओ, महाराज जी यहाँ पे बच्चों को क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्या इन बच्चों ने नहीं अपना खेल कूद सब चीज छोड़ छाड़ के इन शास्त्रों में लगाया और आज देखो कैसे हो गए, इन शास्त्रों को आपको भी बता पा रहे हैं और बता रहे हैं अच्छे से, उन बच्चों को पकड़ो और आओ तो मठ में उन बच्चों, देखो क्या है, खाली ये मत समझना कि ये केवल मठ बड़ों के लिए बना, अरे सबके लिए बना है, बच्चों के लिए स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, तो क्योंकि वो देखो मैंने एक कंपनी में था तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाई गई पढ़ाई गई, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसे थे, तब मुझे पहली बार पता चला कि जो एक 1.5 साल का 2 साल का 6 महीने का बच्चा सीख सकता है उसे सीखने में शायद हमें 5-5-10 साल लग जाए, इतना तेज दिमाग है, आप खुद सोचो ना, जो किसी गुजर के घर में एक बच्चा हुआ, किसी बंगाली के घर में कोई बच्चा हुआ या किसी गुड़िया के घर में कोई बच्चा हुआ, वो बच्चा कितनी देर में भाषा बोलने लगता है, कितनी देर में बोलने लगता है, जैसे ही मुंह खोलता है बोलने लगता है, और कौन सी भाषा बोल रहा है जो घर में चल रही है, कैसे सीख गया, और यहाँ हम बंगाली स्पीकिंग कोर्स बंगाली प्रभु जी माता जी के बीच में रह रहे कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल रही ढंग से, क्यों, क्योंकि इन बच्चों के पास बहुत अच्छा ब्रेन है, अभी से इनके अंदर ये संस्कार डालते जाओ, इनको सिखाते जाओ, बच्चों के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, कम से कम आगे तो आओ, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक माता जी आई अपनी बच्ची से मिला रहे, एक माता जी आई अपने बच्चे से मिला रहे हैं, क्यों, उन्हें अच्छा लगा, वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसा बने, तो क्या सारे नहीं चाहते, कौन कौन अपने बच्चों को लेकर आया है, कहाँ है, वो बैठ रहे एक कर बैठ रहे, बाकी कहाँ है, पीछे पीछे बाहर, अरे कई लोग तो लाए भी नहीं होंगे कि क्या करेगा वहां जाके, तो अपना होमवर्क पूरा कर, हरे कृष्ण, देखो प्रभु हमारे जो प्रभु जी है ना ये चाहते हैं आपका बच्चों को भी भगवान की कथा सुनाए, ठाकुर को बार में सुनाए, उनको भी धीरे धीरे भक्त बनाए। देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे, ध्यान देकर सुनो, जो बड़े गुरु जी थे किसी ने आए बोले गुरुदेव बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बात, हमारे गुरु जी ने क्या उत्तर दिया जानते हो, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो और बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जब तुम खुद रामायण नहीं पढ़ोगे बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे, अरे बच्चा तुम्हारी बात कैसे सुनेगा, बच्चा तुम्हारी बात कैसे सुनेगा, गुरु जी कहते थे अगर रामायण पढ़ाते, रामायण में क्या लिखा हुआ, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता की चरण की पूजा करते थे। अब रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज शयन करते हैं स्वयं भगवान राम पिताजी की चरण की सेवा करते हैं, ठाकुर जी स्वयं सेवा की, अगर ये सब चीज को बच्चे देखे पढ़े क्या होगा, संस्कार आएगा ना, भैया हम भी पिता माता की, जब पिता माता जी स्वयं पिताजी स्वयं हम भी पिताजी की चरण की सेवा करें, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, जब कोई बच्चा पढ़ेगा तभी तो समझेगा ना, नहीं पढ़ेगा तो कैसे समझेगा, समझेगा नहीं। आप बताओ आपका अंदर में बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि सवेरे उठ कर पिता माता की चरण छूते हैं, और आप लोगों का बच्चा वही है जो चरण छूता है, ये एक बच्चा छूता है क्यों, मंदिर में आता है इसलिए पिता माता की चरण छूता है, इसलिए अभी सारा दुनिया में जा रहे एक ही समस्या कहते हैं बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, सारा दुनिया में एक ही चर्चा जहां जाए है, लेकिन रामायण पढ़ेगा तो क्या होगा, भगवान राम क्या क्या
पिताजी के आदेश पालना करने के लिए 14 साल के लिए भगवान राम वनवास गए, पर किसकी? अपना माता नहीं, सौतेली माँ, अपना माता कौशल्या के लिए नहीं, किसके लिए? कैकेयी के लिए। सौतेली माता की आदेश को पालन करने के लिए भगवान 14 साल तक, आप अपना बेटे को बोले तो प्रभु तो 14 साल के लिए गए, अपना बेटा 14 दिन के लिए कहते हैं, अपना मन मर्जी तो घूमने के लिए 14 दिन के लिए चला जाएगा, पिता माता की आदेश को पालन करने के लिए नहीं जाएगा बच्चा। कारण क्या? हम रामायण नहीं पढ़ते, बच्चों को रामायण की शिक्षा नहीं देते, भक्ति नहीं करते, बच्चों को भक्ति नहीं करवाते, तभी ये बच्चे उद्धार का बन रहे, इसलिए पिता माता की ये बात नहीं सुनते, आदर नहीं करते, पिता माता की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए देखो हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमारी मंदिर बन गया, आश्रम बन गया, इसलिए हम चाहते हैं आपके जो बच्चे लोग हैं ना, आपका बच्चे लोग भी, आपका जो यंग यंग बच्चे हैं, लड़का और जो लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर अलग रूप में उनको क्लास दी जाए, उनके लिए अलग क्लास, केवल उन्हीं के लिए क्लास दी जाए हैं। इन्हा इस संडे को नगर संकीर्तन के बाद बैठ सकते हैं यहाँ पर, आप अपने बच्चों को बुला लीजिए, या अगर नगर संकीर्तन में ना भी आ पाए तो नगर संकीर्तन के बाद तक आ जाएं, फिर हम देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, कैसे ग्रुप बनता है, फिर हम शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी संडे, संडे को छुट्टी होगी, सवेरे तो हम लोग नगर संकीर्तन 6 बजे हम लोग नगर संकीर्तन के लिए जाएंगे, लेकिन उसको बाद में, जैसे अगर अगर उनका बच्चे को जैसे सुविधा हो, जैसे उनकी सुविधा हो, ठीक है ना, अगर 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे भी हो, किसी समय में भी हो, इसलिए अगर अपना बच्चों को, आप लोग बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बोले भैया उनको स्कूल जोर जबरदस्ती भेजे कि नहीं, पता बच्चों को जोर जबरदस्ती स्कूल कॉलेज भेजते कि नहीं? जरूर भेजते हैं, और इतना भी जाना ना सवेरे उठा देते हैं, 5 बजे 6 बजे उठो कॉलेज जाना, लेकिन बच्चों को कभी कभी ऐसे करते हैं, पढ़ाई के लिए तो सब कुछ करा देते हैं, हाँ पढ़ो, उसको एक ATM कार्ड बना देते हैं, इतने उसको पढ़ा देते हैं। आप देखना वही बच्चा जो ज्यादा पढ़ जाता है ना, पिता माता भय तू क्या जानता है, अनपढ़ गमार होते, हम इसने PhD किया, इंजीनियर किया, हम नहीं समझते, तू समझते हो, पिता माता आपको बच्चे ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। हम कभी कभी इतने बच्चों को पढ़ा देते हैं, बच्चे उल्टा पुल्टा पिता माता को जवाब देना आरंभ कर देते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ाते हो तुम जो कि पिता माता की बात सुनता नहीं, जब उसी के लिए तुम इतना पढ़ा सकते हो क्या, बच्चे का अंदर में संस्कार बने, सवेर उठ करके पिता माता की चरण छुए बच्चा, पिता माता की सेवा करे, इसके लिए बच्चों को क्या संस्कार नहीं दे सकते? जोर जबरदस्ती में बोले नहीं जाओ, घर में भी एक कुछ नियम बनाओ, जब तक बच्चा एक माला नहीं करेगा उसको खाना नहीं देंगे, घर में ये नियम बनाओ उसको, जब तक वो जब तक बच्चा एक माला नहीं करेगा उसको हम खाना नहीं देंगे, पहले भजन उसके बाद में भजन, पहले भजन उसके बाद में भजन, घर में नियम बनाओ। जब उल्टा पुल्टा चीज के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, अच्छे काम के लिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग कोशिश करेंगे जैसे संडे को यहाँ पर अपना बच्चों को, ये प्रभु जी आएंगे आपका बच्चों को, जितने बजे आपके बच्चे आ सकते हैं, 10 बजे आ सकते हैं, 11 बजे आ सकते हैं, इसलिए थोड़े से एकदम छोटे छोटे बच्चे नहीं, जो थोड़ी सी बड़े, जो थोड़ी 10 क्लास से ऊपर के बच्चे हो, हाँ उसका छोटा बच्चे तो समझेगा नहीं, उसको ऊपर जो बच्चे हो, ठीक है ना, भेजोगे? कौन कौन भेजेगा, कौन कौन भेजेगा बोला, देखो कोई हाथ नहीं उठा रहे, जानते बच्चे बात नहीं सुनेंगे ना, हाँ हम तो बच्चों को उल्टा उल्टा, बच्चों को हमने उल्टा उल्टा संस्कार दे दिया ना, उल्टा उल्टा संस्कार दिया, देखो देखो इधर सुना, ये ग्रेटर नोएडा की बात है, ये ग्रेटर, जानते हो ग्रेटर नोएडा में क्या हुई, कुछ दिन पहले पेपर में आया था, एक पिता माता ने बड़ा पैसा वाला उसको डॉक्टर बनाया और अमेरिका भेजा, 2 बच्चों को अमेरिका भेजा, डॉक्टरेट भी पढ़वाया, पता नहीं अमेरिका पढ़ने का बाद क्या हुआ, दोनों बच्चे घर में आए, पिता माता को बोले देखो हम दोनों तो सेटिंग हो गए अमेरिका में, यहाँ पर क्या करोगे, पिताजी की बहुत सारे संपत्ति था, बोले इसको बेच दो चलो अमेरिका चलो, उन्होंने सारे बेचवा दिया, करोड़ रुपया की संपत्ति उन्होंने बेचवा दिया, बेचवा करके बोले चलो अमेरिका चलते हैं। पिता माता इतने लिखा पढ़ा नहीं थे, पैसा वाला पहले से जमींदार थे, अभी लेकर के एयरपोर्ट में गए,
बोले यहीं पर खड़े रहो और ट्रॉली ला रहे हैं। 10 मिनट हो गया आई नहीं, 20 मिनट हो गया आई नहीं, आधा घंटा हो गया आई नहीं, 1 घंटा हो गया आई नहीं, 2 घंटा 3 घंटा हो गया आई नहीं। बोले भैया क्या हो गया, वो 2 मिनट का काम अभी तक आए नहीं। उन्होंने फोन लगा करके देखा, दोनों बच्चे पिताजी की सारे संपत्ति को लेकर के उन्होंने अमेरिका चले गए और पिता माता को मेन रोड में खड़े करके और लास्ट में ओल्ड हाउस में जाकर के जीवन बिताए। इसलिए भैया इतने मत पढ़ाए करो जो कि पिता माता की ओल्ड हाउस में छोड़ दे हैं, और उसको मेन रोड में खड़े करके चले जाए। ज्यादा पढ़ाई करोगे हाँ पढ़ाई करो, लेकिन भक्ति को साथ में पढ़ाई करो, नहीं तो गड़बड़ी हो गया, बड़ी गड़बड़ी है हैं। पढ़ो 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 पढ़ो, इतने पढ़ेंगे ना इतना बुढ़ापा में क्या हाथ की लकोटी बनते, क्या बोलते हाथ की लठिया, हाँ बुढ़ापे में लाठी नहीं सर पर बढ़िया लाठी, हाँ हाथ में नहीं सर पर बढ़िया लाठी। इसलिए सावधान, इसलिए बच्चों को भजन में लगाओ, ठीक है ना। बच्चों को बोलना चलो वहां पर क्लास हो रही है तो बच्चों के लिए, बोले नहीं बोले क्यों नहीं, प्रेशर दो बच्चों को समझाओ, प्रेशर दो नहीं क्यों नहीं, चलो मंदिर में चलो वहां पर कथा सुंदर गाओ, इसलिए नाम तुम खोले। और यहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे जैसे अनिरुद्ध प्रभु जी यहाँ पर है और संजय प्रभु जी सब लिखते बड़े लड़के हैं, सब सब इंजीनियर सब के सब है। हम चाहेंगे कि सब यंग बच्चे यंग बच्चों को देखभाल करेंगे, इनको धीरे 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 कथा सुनाएंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम जी की। आ जाओ आ जाओ, मैं 2 मिनट सुना देता हूँ, तुम भी सुना दे। देखो इसको पहले हम लोग जो कथा में आते हैं, इसको पहले हम जो कथा श्रवण कर रहे थे, कैसे गुरुदेव अपना हृदय में भक्ति रूपी बीज को कैसे बोते हैं और साधक कैसे श्रवण और कीर्तन रूपी ये दो पानी को सिंचन करते हैं। मतलब है गुरु जी से हमने हरिनाम लिया, अगर माला जहाँ था लटका दोगे, जैसे यहाँ से अमेरिका जाना, नहीं तो लंदन जाना, नहीं तो बॉम्बे कलकत्ता जाओगे, जैसे टिकट खरीद दिया, अगर टिकट को अगर क्या हम पॉकेट में रखेंगे क्या पहुंच जाएंगे, नहीं जाएगा। अपना रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच देख करके सीट में बैठना पड़ेगा, फिर ट्रेन आपको ले जाएगी। उसी तरह हमने गुरु जी से हरिनाम मंत्र ले लिया, अगर हम साधन वज्र नहीं करेंगे, माला ठीक से जप नहीं करेंगे, तिलक आदि नहीं करेंगे, ठाकुर को पूजा सेवा तुलसी परिक्रमा नहीं करेंगे, फिर तो भक्तिलता बढ़े कैसे। यही भक्तिलता है, भगवान की कथा सुनना और जो कीर्तन करना कंटिन्यू, यही भक्ति लगती है। यही इसमें पानी देना, जैसे गमला में अगर पानी दोगे तभी तो धीरे 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 बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, नित्य श्रवण और कीर्तन जले करे सचन। नित्य मतलब हर समय, एक दिन नहीं, रोज सवेरे उठ करके अपना भक्ति का जो अंग है, तिलक लगाओ, आनी करो, गुरु मंत्र जप करो, तुलसी में पानी दो, परिक्रमा करो, ठाकुर आरती उतारो, माला जप करो, थोड़ी ग्रंथ अध्ययन करो, यही उसमें पानी देने का काम यही करता है। जब पानी देंगे फिर धीरे 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 लता धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते कहाँ, पहले ब्रह्मांड को भेद किया है, ब्रह्मांड को भेद करते फिर वैकुंठ गया, फिर वहां पर भी उसका आश्रय नहीं, क्यों, हम जो मंत्र जप कर रहे हैं राधा कृष्ण की मंत्र जप कर रहे हैं, इसलिए वहां पर कोई आश्रय नहीं, वहां पर उसका कोई आश्रय नहीं, वो लता सीधा गोलक वृंदावन पहुंच गया। अभी ठाकुर जी के चरण को आश्रय करते हुए साधक यहीं पर बैठा हुआ, यहीं पर भजन कर रहा है, लेकिन उसमें सुंदर सुंदर फल आया, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें रसी रस, रसी रस, बस खाते रहो खाते रहो। लेकिन यहाँ पर वो एक सावधान कर देते हैं, कहते भैया बीच में एक बाधा भी आ सकती है, वो बाधा को थोड़ी सी सावधान होकर के चलो। बोले वो बाधा क्या है, बोले वैष्णव अपराध और गुरु अवज्ञा, कभी जो दो चीज है भक्ति में सबसे ज्यादा, बाधा तो बहुत है लेकिन जो दो चीज सबको खतरा बताएगा, सबसे पहले गुरु का चरण में अवज्ञा करना और वैष्णव चरण में अपराध करना, ये दो चीज सबसे बड़ा खतरा है। अगर ये चीज हो जाए ना तो ये भक्ति लता तो सूख जाती है। वो जड़ से उदाहरण दिया, अपराध हाथी यदि उठे मारती पाता
उपड़े वा चिंतिताय सुखी जाय पाता। उन्होंने बताया कि ये अपराध कैसे एक मतवाला हाथी जैसे वो जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देता। इसलिए बोले साधु सावधान भैया, कभी संतों की निंदा मत करो, साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु जी का प्रति कोई अवज्ञा भाव नहीं आनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये चीज को सिखा दिया। महाप्रभु नवद्वीप में एक दिन विष्णु की खटिया के ऊपर बैठ गए और एक एक भक्तों का नाम को बुला बुला करके सबको प्रेम दे रहे थे, लेकिन सबको तो बुला रहे थे लेकिन अपना मैया को नहीं बुला रहे थे। श्रीवास पंडित ने पूछा, प्रभु आपकी माँ भी बाहर खड़ी हुई है, आप तो सबको बुला रहे हो, अपना माँ को क्यों नहीं बुला रहे हो? देखो भगवान क्या कहते हैं। बोले मैया ने वैष्णव अपराध किया, उसको हम प्रेम नहीं देंगे। इतने में जब सची मैया ये बात को सुनी, बोले हमें प्रेम नहीं मिलेगा। बोले प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, अगर जीवन में सब कुछ है लेकिन प्रभु के चरण में तुम्हारी प्रेम नहीं ना, वो जीवन तुम्हारी बेकार है, जीवन तुम्हारी बेकार जीवन है। इसलिए मेरे को प्रेम नहीं मिलेगा। बोले कहाँ अपराध हो गई? बोले श्री अद्वैत आचार्य जी के चरण में। बोले कैसे कैसे अपराध हुई? बोले श्री महा श्री सची माता के दो बेटे थे। कितने बेटे थे? कौन कौन है? एक विश्वरूप, उनका बड़े भैया का नाम, छोटे भैया का नाम निमाय, बड़ा भैया का नाम विश्वरूप। ये विश्वरूप जब उन्होंने पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे, ये अद्वैत आचार्य जी का एक टोल था, विद्यालय था, उसी में ही वो पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने जो वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र सब का अध्ययन किया, हर शास्त्र क्या कहता है? बोले श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भजिए राम सब काज विसारी। सारे शास्त्र एक ही बात कहता है, भजिए राम सब काज विसारी, सब काम को छोड़कर राम की भजन करो। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। बोले पाप नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे उसको छोड़ देंगे? भगवान क्या कहते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, चिंता मत करो, सारे पापों से मैं तुमको छुटकारा दे दूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। जब उन्होंने सारे शास्त्र को अध्ययन किया, उनको पता चला ये जीवन दुर्लभ है, ठाकुर जी बारंबार ये जीवन नहीं देते हैं, ये जीवन पाकर क्या करनी चाहिए? जीव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य भगवान की भक्ति करना, इससे बड़ा कर्तव्य जगत में कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने सब छोड़कर संन्यास ले लिया। पहले दिन की शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, हर पिता माता सोचते हैं घर में बहू आएगी छमछम करके चलेगी, हैं नाती पोती होगा गोद मिलेगी, हर पिता माता यही सोचते हैं। जब तक घर में बहू नहीं आई ना, क्या बोलते हैं पिता माता? सबकी घर में बहू छमछम करके चल रही है और हमारी घर में बहू नहीं, हमारी घर में बहू नहीं। लेकिन बहू आ जाएगा, बोले हाय रे कैसे बहू आ गई, हाय रे कैसे बहू आ गई। इसलिए अभी उन्होंने जब पता चला ये जीवन की नश्वरता, उन्होंने सब कुछ छोड़ कर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण की, अभी इनकी माँ को तो बड़ा ठेस पहुंची, मेरा बेटा संन्यास ही ले लिया। अभी उन्होंने बड़ी दुखी होकर के एक बात को बोल दी, बोले केवल अद्वैत तारे द्वैत करिमा, इनका नाम था अद्वैत। अद्वैत मतलब अ मतलब नहीं, दो मतलब दो, जो दो नहीं एक, मतलब सबको जो परिवार को जो एक करके चलता है। बोले कौन इसको अद्वैत कहता है? तो द्वैत है। देखो कहां मेरे बेटा, यह लड़का बेटा, और उसने क्या पाठ पढ़ाया और उसने साधु बन करके चला गया है। ये तो मतलब द्वैत गरिमानी, ये तो द्वैत घर को तोड़ने वाले का काम किया। लेकिन अद्वैताचार्य महाविष्णु सदाशिव है, इतनी बार दुखी होकर बोली, वो कोई ज्यादा अपराध नहीं है, लेकिन ये वैष्णव अपराध कितने खतरा बताए। भगवान ने बोले माँ को मैं प्रेम नहीं दूंगा, उसने अद्वैत चरण में अपराध की। इसलिए सच्ची मैया जा करके जब बोले बेटा तेरे चरण में अपराध हो गया, बोले क्या? सच्ची माँ कौन? माँ जसोदा, माँ जसोदी भगवान की माँ है, भगवान की माँ है, जगत का माँ श्री माँ जसोदा है, अद्वैत आचार्य की माँ। बोले कभी माँ की चरण, माँ की कभी बेटे के चरण में अपराध होता है? बेटा का माँ की चरण में अपराध होता है? इतने में अद्वैत आचार्य तो प्रेम में
नृत्य करते 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 विभोर होकर गिर पड़े। जब गिर पड़े इतने में सची माँ स्वयं जा करके अद्वैत के चरण में गिर पड़े, उनकी चरण धूलि उन्होंने लिया, माफी मांगे, फिर महाप्रभु उनको प्रेम देते हैं। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं भक्ति जगत में किसी वैष्णव का चरण में कभी अपराध नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान अपना माँ को द्वारा शिक्षा दिया, अगर माँ की को भी भगवान प्रेम नहीं दिया और आप और हमारी बात क्या है। भगवान कहते हैं अगर मेरे हाथ मेरे भुजाएं कभी अगर किसी साधु की विरोध में चले जाए संतों की, मैं अपना हाथ को भी काट डालूंगा। संतों को भगवान इतने प्यार, भगवान संतों को इतने प्यार ठाकुर जी करते हैं, इतने संतों की महिमा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भैया अगर भक्ति करते करते अगर कहीं वैष्णव अपराध हो गया ना, भैया श्री रूप गोस्वामी कहते भैया भक्ति कम हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी साधु चरण में किसी वैष्णव चरण में कभी अपराध मत करो, भले ही भजन उसको दरा क्या होगा, तुम्हारा जो हृदय है ना सूख जाए, हृदय तुम्हारी सूख जाएगी, हृदय में हरिनाम करने की इच्छा नहीं होगी, भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, हरिनाम करने की इच्छा नहीं होगी, कोई भक्ति अंग पालन करने की इच्छा तुम्हारी नहीं होगी, भजन करने की एकदम इच्छा नहीं होगी, माला छूने का इच्छा नहीं करेगी, भगवान की कीर्तन करने की इसका पता चलनी चाहिए क्या भैया, कहीं मरी साधु किसी साधु के चरण में कहीं हमारे अपराध हो गए किसी। इसलिए महाप्रभु, महाप्रभु स्वयं है, इसलिए महाप्रभु एक दिन दुखी होकर के प्राण त्याग करने के लिए जा रहे थे, बोले मैं प्राण त्याग कर दूंगा, बोले क्यों, बोले अद्वैत आचार्य ने किया क्या, महाप्रभु के चरण में गिर करके चरण धुल ले लिया तो बोले अद्वैत ने मेरे सारे प्रेम को शोषण कर लिया है, वैष्णव अपराध मेरी हो गई, अगर मेरी वैष्णव अपराध हो गई, अगर प्रेम नहीं हो तो ये शरीर को रख कर क्या लाभ, मैं प्राण त्याग कर दूंगा। महाप्रभु स्वयं गंगा में छलांग लगाने ले जाते, बोले जब प्रेम नहीं मिलेगा ये अद्वैत तो सब सारे प्रेम को ही चूस लिया है। इसलिए श्री श्रीपास पंडित के चरण में एक गोपाल चापाल था उस समय में, वो महावैष्णव निंदु संत निंदु, उसने संतों की निंदा करता था क्योंकि अद्वैत श्री श्रीवास अंगन में महाप्रभु सारा रात कीर्तन करते थे, भक्तों को लेकर नृत्य कीर्तन करते थे, लेकिन उसको सहन नहीं होता था। ऐसे कुछ लोग है ना संतों की भजन भक्ति देख करके सहन नहीं हो, संतों के ऊपर जा रहे हैं, उनके नाम हो रहा है जगत में, कभी कभी उनके नाराज होकर बदनामी करना चाहते हैं, क्या क्या रात को उनको घर को सामने एक फूल होता है जवा फूल जिसमें देवी की पूजा करते शराब मांस उसको ला करके उनके घर को सामने रख दिया, और सवेरे होते सब लोग को बुलाया, बोले देख तुम लोग बोलते हो ना ये साधु है रात भर भजन करते हैं, ये ढोंगी है, वो भजन भजन कुछ नहीं, देखो क्या कर रहे हैं, ये शराब मदिरा को द्वारा स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं, उनको साथ में भोग करते हैं, और आपको क्या लगता है ये रात भर भजन कर रहे हैं, कोई भजन नहीं ढोंगी है, बदनाम कर दिया और उसका शरीर में कूड़ हो गया, क्या हो गया, कोड़ हो गया उसका शरीर में, गले में कोड़ पड़ गया, नाक कान गलने लग गया, इतने दुख कष्ट उठाया, फिर रो रो करके महाप्रभु के पास में गया। महाप्रभु बोले देखो अगर पैर में कांटा चुभ जाए ना सर में नहीं, जिधर चुभा उधर ही निकलेगा, तुमने अपराध मेरे चरण में नहीं तुमने श्रीवास पंडित के चरण में किया, जाओ उसकी चरण में माफी मांगो, जाकर उनके चरण में माफी मांगना पड़ा, फिर उनको पूर्ण उनकी सही हुआ। शिक्षा देते हैं ये वैष्णव अपराध इतने खतरा, भैया साधु सावधान, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास, इसलिए जिसका कम पुण्यवान कि महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मण और साधु विश्वास नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं कभी वैष्णव चरण अपराध नहीं करनी चाहिए, अगर कभी हो गया जाकर के माफी मांग लो, निधि चरण में माफी मांग लो, वैष्णव लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं, मैं अपराध को माफ कर देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हमने जब कथा हुई थी मैसेज डाला था 24 तारीख से 31 तारीख तक होगी, तो इस कारण से कुछ लोगों को पता नहीं है, कथा थोड़ा आगे बढ़ गई है। बहुत से लोग बोले थे हमें पता नहीं है 31 तक थी, फिर मैंने मैसेज और भी फॉरवर्ड कर दिया कि कथा 7 तारीख तक होगी, 6 या 7 तक, अभी डिसीजन नहीं हो पा रहा है हमारे। 6 तक तो कब पक्का होगी, 7 तक भी हो सकती है। और उसके बाद महाराज जी झूलन पे जाएंगे, बहुत सुंदर झूला वृंदावन में डालता जैसे कि, और वहाँ पर रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना नाम, हमने भी ये नाम जैसे ना 4 साल सुना, ये 5-10 साल का रूप गोस्वामी का नाम सुना, रूपानु बहुत बार सुना नाम, और इस नाम को सुन सुन के एक नाम अगर रूपानु, हम कौन वैष्णव है, रूपानु गौड़ी वैष्णव, फिर रूपानु की परिभाषा सुनी, फिर रूपानु क्या होते हैं उसको सुना। तो आप लोग सुन रहे ना रूप गोस्वामी की महिमा है, रूप गोस्वामी के बारे में सुन रहे, बहुत सौभाग्यशाली है। और नहीं भी समझ में आता जैसे बताया ना, सुगत सजातीय विजातीय भेद रही, वह अद्वैत ज्ञान तत्व के बारे में बताते भगवान कृष्ण कौन है, तो ये समझ में आएगा सब धीरे धीरे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक बार हर साल ये करेंगे ना बार बार, तो सब लोग तैयार हो जाएंगे। मैंने बताया ना जैसे एक माता जी मथुरा में रहती है, माता जी गुरुदेव ये कथा करती थी ना, अनपढ़ जो लोग होते थे बूढ़े बूढ़े लोग, वो भी बड़ी सुंदर सुंदर राधा जी की महिमा बताते थे, राधा जी के बारे में जो कि बहुत गूढ़ तत्व है, और मुनिन्द्र बिंद बंदी थे सबको याद था, नमामि नंद नंदनम ललिता अष्टकम जमुना अष्टकम, क्योंकि आप पढ़ोगे पढ़ भी नहीं पाओगे, देख के भी नहीं पढ़ पाओगे, अपना ललिता अष्टकम पढ़ लो आप देख के भी नहीं पढ़ पाओगे, पर वहाँ अनपढ़ अनपढ़ लोग जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस अभ्यास से कैसी चीज है, भगवान ने गीता में बताया, और अभ्यास से ये भक्ति कहती है, अभ्यास और वैराग्य का, बार बार अभ्यास करने से क्या होता है भक्ति में हमारा प्रवेश होता है, कोई भी वस्तु हो ना बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य चरित में तो कहा इसको बार बार श्रवण करो, बार बार चिंतन करो, बार बार स्मरण करो, तो आप चिंता नहीं करो बिल्कुल भी। अगर सुन रहे हो ना रूपानु रूप गोस्वामी इतना भी बहुत है, मैं तो कहता हूँ जो कहते हैं ना जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल दास रघुनाथ हे चरण सहित कवि चरण वंदन या इते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण, जो इनका नाम सुनता है उनकी सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और उनको अभीष्ट पूर्ण होती है। अभीष्ट क्या होती है इसकी बहुत सुंदर व्याख्या, अभीष्ट क्या होती है, सबसे बड़ा अभीष्ट क्या है, जगत में बहुत प्रकार का अभीष्ट है, पर सबसे बड़ा अभीष्ट जो रूप गोस्वामी कहते हैं वो भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होना ही इस जगत में सबसे बड़ा अभीष्ट है। तो रूप गोस्वामी का स्मरण करने से वो बड़े दयालु है, उनका नाम लेके रोज जय बोल दो तो वो क्या करेंगे कृपा करके श्रद्धा जगा देंगे, श्रद्धा तो श्रद्धा की बता रहे भक्त लोग क्या परिभाषा है कैसी, तो आप लोग धीरे धीरे और इनको बार में और भी सुनेंगे। जैसे कृष्ण तत्व के लिए बताया मैंने कहा कि हम लोग अभी भक्ति तत्व सुन रहे हैं, फिर कृष्ण तत्व सुनेंगे और फिर क्या राधा तत्व सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे बारम्बार, और मुख से मुख लोग भी यदि गुरु वैष्णव कृपा हो तो समझ में आ जाएगा। आप लोग घबराना नहीं, और क्या करना है बस गुरु और वैष्णव का अनुगत्य करना है। रूप गोस्वामी ने बार बार यही कहा तन नाम रूप चरितादि सुकीर्त नाम, ये क्या करना है अनुगत्य में अनुगत्य में अनुगत्य में, अगर भक्ति करोगे अपनी इच्छा से जन्म लग जाएंगे कभी नहीं कर पाओगे, और अपने गुरु की आज्ञा से वैष्णव के साथ में रखोगे बड़े सहज हो जाएगा। जैसे कि मानो कोई व्यक्ति कलकत्ता जाना है, कलकत्ता व्यक्ति जाना तो क्या करोगे उसका टिकट कराओ, अब उसे बताओ ट्रेन कहाँ से मिलेगी, ट्रेन कहाँ से मिलेगी, राजधानी है शताब्दी है कौन सी है कहाँ से मिलेगी, फिर उसको रेलवे स्टेशन तक बताओ रास्ता मेट्रो कैसे जाएगी कैसे, है ना, फिर वो चढ़ेगा शायद चढ़ पाएगा नहीं पाएगा, अरे बच्चा है 2 साल का 5 साल का बच्चा माँ की गोद में और उसको कलकत्ता जाना है, बस कुछ भी नहीं करना, ना तो टिकट लिया ना कुछ किया, माँ की गोद में, और माँ क्या करेगी गोद में लेगी उसको ट्रेन में बैठा देगी और कलकत्ता में उतार देगी, क्यों हो रहा है ऐसा, तो शरणागत है माँ की, माँ जैसे ले जाएगी वैसे, कितना आसान हो गया, पर अपनी इच्छा से कितना कठिन है। इसलिए कुछ भी मत करो, गुरु जी की कथाओं को सुनो, भक्तों की कथाओं को सुनो, और क्या करो उनकी आज्ञा का पालन करो, यही भक्ति है। हमारे पूज्य बावन गोस्वामी महाराज ने कहा भक्ति किसे कहते हैं, अधिकांश लोग हम सुनते बहुत हम कुछ जानते हैं, हमें जानने के लिए नहीं आना, हमें यहाँ क्या सुनने के लिए आना है, अभी तो हम सुनेंगे ना पता लगेगा कुछ भी नहीं जानते,
इससे पहले क्या करो, सुनने के लिए आओ, धीरे 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 सुनो, और सुनते 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 पता लगेगा अभी हम कितने नीचे ना, कितने हम पानी में। तो सुनेंगे फिर धीरे धीरे पता लगेगा भक्ति किसे कहते हैं। हम जो बहुत अच्छा गाना गा दिया, ताली बजा दी, ये भक्ति है, भाव ही नहीं है भक्ति का। आप गुरु गोस्वामी के विषय में सुनेंगे कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या परिभाषा में, कितने दिन से श्रद्धा भी नहीं है इसलिए टूट जाती है भक्ति। हम कोई अभी कोई भक्त थे नाम नहीं, अभी थोड़ा घर में कष्ट आया, कह रहे प्रभु जी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा नाम, माला भगवान क्या है, भगवान रक्षा नहीं करते, नाम लेने का मन ही नहीं कर रहा, और कोई भी थोड़ा भी कष्ट आ गया मंदिर आना बंद कर देते। तो ये भक्ति नहीं है, अच्छा गाना अच्छा लगा देना, बढ़िया तिलक लगाना, ये नहीं। क्या करना है भक्ति का, पहले श्रद्धा की परिवार, श्रद्धा क्या होती है तो बता रही, इनको ध्यान से सुनो, फिर भक्ति कभी भी ये नष्ट नहीं होगी। ये रूप गोस्वामी कृपा है, रूप गोस्वामी ने परिभाषा एक एक चीज की परिभाषा दी है, हम इनको ध्यान से सुन रहे हैं। आप लोग नोट करो, जिसकी समझ में नहीं आ रहा बार बार इनको श्रवण करो। मैं बार बार बता रहा हूँ कि रविवार का जो प्रोग्राम है नगर संकीर्तन करेंगे हम सब लोग, रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम अर्चनम वंदनम दासम सत्य आत्मनिवेदन, भक्ति के 64 प्रकार के, इनको 9 प्रकार के किया, 9 प्रकार में 5 प्रकार में, 5 में 3 और 3 में मुख्य हरिनाम संकीर्तन, ये मुख्य अंग है भक्ति का। इस भक्ति का अंग का पालन करो, अगर भक्तों के साथ में रहकर, रोज तो करते ही है महाराज जी का हमारे पास में सुयोग मिला है, महाराज जी हमारे साथ कीर्तन करते हुए चले, कितना आनंद आया था, मॉर्निंग वॉक भी हो रही है, शरीर का नाचते हुए जा रहा है शरीर। मेरे पास में ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था, अब लोग जो कीर्तन कर रहे थे ना, वो वही से बैठ बैठ के सब उसको लाइक होता है, उसको मेरे पास में फोन आया, दोपहर में फोन आया, बोले महाराज जी आपका सारी कथा की है, कितने भक्त लोग बैठे हुए और खूब नाचते हैं, और संजय प्रभु सब भेज दे रहे ना, बोले बहुत अच्छे प्रोग्राम, हम सब बैठे बैठे करके यहीं पर रूप गोस्वामी कथा को बैठ बैठ कर देखते हैं। और संडे को जो गए थे ना, उसने भी भेजा सब जगह पर, बोले आपका तो संडे में बढ़िया प्रोग्राम, खूब तो नाच रहे थे गा रहे थे, बढ़िया कीर्तन हो रहा था। आप यहाँ पर सब कर रहे हो ना, सब विदेश अमेरिका में लंदन फ्रांस रशिया सब दुनिया के लोग आपको बैठे हुए देखते हैं, यहीं से आपका प्रचार हो रहा है सबके साथ। इसलिए सब लोग क्या 6:30 बजे एकदम यहाँ पर आ जाना, 6:30 यहाँ से कीर्तन करने चलेंगे और वापिस आके थोड़ी सी कथा होगी जो बता रहे थे रोजेंद्र प्रभु महाराज जी, थोड़ा करेंगे फिर प्रसाद होगा आप लोग के लिए, और फिर हम 2:30 बजे सब लोग दोबारे से घर जाकर वापस आ सकते हैं जो जाना चाहते हैं। 3 बजे बस लेके महाराज जी के साथ देंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम है विकासपुरी में, बहुत लोग फरीदाबाद से गुड़गांव से दिल्ली से वृंदावन से सब लोग आ रहे हैं, वहाँ थोड़ा कीर्तन करेंगे कथा होगी, वापिस बस यहीं छोड़ देंगे, यहाँ से फिर अपने घर जा सकते हैं प्रसाद पाकर आ रहे हैं। शनिवार को और इतवार को अच्छा प्रसाद की व्यवस्था है, अच्छा प्रसाद तो क्या है, एक चावल का दाना भी लगा वो भी अच्छा है, परंतु हम बद्ध जीव है ना, हमें क्या प्रसाद की महिमा नहीं पता, जब तक मटर पनीर शाही पनीर ना मिले तो हमें अच्छा बुरा नहीं, तो हम भी भाषा का दोष हो जाता, हम भी बोल देते अच्छा प्रसाद बुरा। अगर भगवान का प्रसाद का कोई भोग, चावल का दाना भी एक पाव देना भोग लगा, उससे भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है। कोई प्रसाद के लिए भी आते हैं ना, प्रसाद से भक्ति प्राप्त शुरुआत यहाँ स्थिति होती है, जैसे घबराओ मत, किसी को कहते ना भक्त बोल देता है, कहते हैं प्रभु जी कोई बोलता है हम प्रसाद के लिए आते हैं, मैं प्रसाद के लिए जाता था पहले मंदिर में, प्रसाद पाने मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मटका हलवा बनता था ना और गरम गरम पूरी सब्जी, इतना मैं प्रसाद पाने के लिए जाता था, वहां जाके जाके ना चाहते काना में कथा पढ़ गई, और कथा पढ़ी कथा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो कथा अगर कोई प्रसाद पाने भी आओगे ना तो घबराना, चिंता नहीं कर, प्रसाद पा के जाओ, और कोई कह रहा है तो कहने दो, घबराओ मत, ठीक है ना, बोलो महाप्रसाद की। तो इसलिए अभी क्या होगा, आरती होगी, आरती का सभी लोग प्रसाद पा के जाएंगे, और संडे को जो प्रोग्राम रखा सब लोग को बता देंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज है, और सोमवार से फिर कथा यहाँ से शुरू होगी 6:00 बजे से लेकर 8:30 बजे। रूप गोस्वामी पाद की, गुरु पाद पद की, पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु कर देखो।
हरे कृष्णा, जिन्होंने कल बताया था ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना है, अगर इन्होंने किसी को चाहिए तो वो आरती के बाद में या फिर प्रसाद पाते समय हाथ उठाना मार करके दे जाएंगे। ठीक है, अभी ठाकुर जी की आरती होगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संजय ब्रू मृदंग देना, सांस ब्रू ये सब कहां से आ गया रे? अभी से उसको कट कट डाल दो, अभी से मृदंग 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 के जय जय हरती कुशो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल
Thank you.
हरी बोल 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 हरी बोल